इन एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम शिवान की भट्ट और आज की जो हमारी विडियो है दैट इज ऑन आर नेवल सब्जेक्ट और टू बी वेरी स्पेसिफिक इट इज ऑन नेवल ओरिएंटेशन जितनी भी आब्रिविएशन्स हैं और शॉर्ट क्वेश्चन वन वर्ड टाइप फिल इन द ब्लैंक्स आई विल ट्राई टू कवर इट ऑल इन दिस वीडियो तो लेट्स गेट स्टार्टड सबसे पहला है आपकी आब्रिविएशन तो यहाँ पे है एक्सपैंड द फॉलोइंग आई एन एस इज़ योर इंडियन नेवल शिप एंड इससे आई रिमेंबर पी एन एस पी एन एस आपकी पाकिस्तानी नेवल शिप है वैसे पी एन एस पूछते नहीं हैं बट स्टिल आई जस्ट जिस टोल यू डी सी एन एस डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सी आई एन सी एन कमांडिंग इन चीफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फोसेफ फ्लाइंग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट आई एन ए एस इंडियन नेवल एयर स्टेशन एफ ओ एन ए फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन सी एन एस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फोकवेफ दिस इज योर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग द वेस्टर्न फ्लीट एफ ओ एस टी ये है आपका फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग ए आई एन एस सी ये है आपका ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप फोसेफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट अभी ऊपर आया था रिपीट हुआ है एडीजी है आपका अडिशनल डायरेक्टर जनरल बी डब्ल्यू के ओ वॉच कीपिंग ऑफिसर ई एक्स ओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डी सी एन एस डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं सबसे पहला है नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ पे लोकेटेड है तो दैट इज़ योर पुणे और लोकेशन मतलब तो टू बी मोस्ट स्पेसिफिक खडकवासला इंडियन नेवल अकेडमी कहाँ लोकेटेड है तो ये है आपकी आई एन एस जमोरिन एजी माला में केरला के अंदर आ, पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर सबमरीन क्या है इंडियन नेवी की मतलब ऐसी कौन सी सबमरीन है जो हमने ही बनाई है इंडिया में बिल्ट है फर्स्ट तो ये है आपका आई अरिहंत कौन सा रैंक मतलब इज इक्विवेलेंट टू कैप्टन रैंक इन इंडियन नेवी अच्छा देखिए इसमें जनरली कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि कैप्टन रैंक आपका इंडियन नेवी में भी आती है और कैप्टन रैंक इंडियन आर्मी में भी आती है तो लेकिन जो इंडियन नेवी में कैप्टन रैंक है ये एक मच हायर रैंक है और जो इंडियन आर्मी में आती है ये एक आ, मतलब छोटे लेवल पे मिल जाती है लाइक इट्स like, लाइक ले, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर तो सेकंड पे आ जाती है लेकिन आपका जो आ, इंडियन नेवी है वहाँ पे ये ऊपर आती है काफ़ी तो आपका जो कैप्टन रैंक है इंडियन नेवी में ये कर्नल रैंक के इक्विवेलेंट है आर्मी में इक्विवेलेंट रैंक से क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं कर्नल ओके okay. इन स्टैंड फॉर इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी मिसाइल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आई वु से ये कौन सी मिसाइल है है ना जिसको पृथ्वी मिसाइल का नेवल वर्जन कहते हैं तो ये है धनुष जब हमारी अग्नि मिसाइल फायर हुई थी तो उसी में पृथ्वी मिसाइल धनुष है ना ये सारी की सारी मिसाइल्स भी इसके अंदर थी Uh, इसको याद रखना इट्स अ गुड क्वेश्चन लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स तो कोस्ट लाइन याद रखना ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके सर्टिफिकेट में तो हेल्प करेगा ही करेगा लेकिन इसका लेवल आई वुड से इट इज़ इट इज़ अ वेरी गुड लेवल तो ये आपका बेस्ट कैडेट्स कॉम्पटिशन्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो ये है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटीन किलोमीटर्स आई एन एस शिवाजी कहाँ लोकेटेड है ये है आपका लोनावाला में आ, करेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन यहाँ पे जो गिवन है ये काफ़ी पुराने हैं ही इज़ रिटायर्ड एम सी पी ओ वन इज़ इक्विवेलेंट टू अच्छा इक्विवेलेंट रैंक ये मत समझना कि सिर्फ ऑफिसर्स की आती हैं जो आपके नॉन कमीशन हैं उनकी भी रैंक स्ट्रक्चर इक्वली इम्पॉर्टेंट है तो आपका एम सी पी ओ वन या माँ बोलते हैं जिसको ये रैंक इक्विवेलेंट है सब uh, सूबेदार मेजर की इन इंडियन आर्मी शॉर्ट नोट है शॉर्ट नोट लिखना है तो साइलेंट आर क्या होता है जो टाइम आपका पाइप डाउन और हैंड्स कॉल के बीच का टाइम होता है उसको साइलेंट आर कहते हैं कलर्स वो सेरेमनी है जब नेवल इंसाइन और ट्राई कलर को इंसाइन स्टाफ और नेशनल फ्लैग स्टाफ में लगाते हैं ओके okay. तो आपको पता होगा कि जो नेवल इंसाइन है ये इंसाइन स्टाफ में लगता है और जो हमारा फ्लैग है नेशनल फ्लैग है ये आपका जैक स्टाफ पे लगता है तो उसके बीच का जो टाइम है दैट इज़ योर कलर्स फिर है आपका ड्रेसिंग शिप तो शिप को ड्रेस किया जाता है उसको सजाया जाता है नेशनल फ्लैग स्टाफ से मेन मास्ट तक और मेन मास्ट से इंसाइन स्टाफ तक ठीक है इसकी भी एक स्पेसिफिक जगह होती है कि कहाँ पर आप सजाओगे तो ये ड्रेसिंग सेरेमनी होती है ये इसके कुछ स्पेसिफिक केजन होते हैं कि कहां कहां पे इनको सजाया जाता है कार प्लेट्स जो ऑफिसर्स हैं जिनकी रैंक कॉमोडोर और सिमिलर रैंक ठीक है इन आर्मी एंड एयरफोर्स ऊपर की है उनको फ्लैग और स्टार्स लगे मिलते हैं उनकी कार पे आपने देखा होगा कि जैसे जब भी कोई आर्मी नेवी या एयरफोर्स के ऑफिसर होते हैं उनकी कार में एक नंबर लिखा होता है वहाँ पे स्टार्स भी होते हैं ठीक है वन स्टार टू स्टार थ्री स्टार तो हम उनको स्टार ऑफिसर्स या फ्लैग ऑफिसर भी बोलते हैं वन स्टार ऑफिसर टू स्टार ऑफिसर ये वाली बात बोथ वॉचेज मास्टर ऑफ शिप कंपनी फॉर डिटेलिंग दैम फॉर रूटीन वर्क ठीक है उनके रूटीन वर्क के लिए ठीक है बोथ वॉचेज यूज़ कर सकते हैं ओके okay, तो यहाँ पे सेम चीज़ है अगला है आपका कमिश्निंग पेनेंट तो जो पेनेंट है इसको होस्ट किया जाता है मेन मास्ट पर मेन मास्ट पे इस पेनेंट को मतलब एक फ्लैग टाइप से आप मान लो उसको होस्ट किया जाता है और उसको नीचे मतलब उसको डाउन नहीं किया जाता जब तक कि शिप को डी कमिशन नहीं कर दिया जाता मतलब जब शिप नई नई सर्विस में आएगी तब कमिश्निंग पेनेंट को उसमें चढ़ाया जाएगा उसको होस्ट किया जाएगा और जब तक शिप कंप्लीट सर्विस करके अपनी डी कमीशन नहीं हो जाती तब तक उसको नहीं हटाया जाता है इल्यूमिनेटिंग शिप ship में शिप्स को लाइट अप किया जाता है फ्लड uh, लाइट से या इल्यूमिनेटिंग सर्किट से स्पेशल ओकेजन या सेरेमनी पे जब आपका नेवल हेडक्वार्टर से ऊपर से आते हैं तब क्रॉसिंग द लाइन सेरेमनी जब भी इंडियन नेवल शिप इक्वेटर को क्रॉस करती है ये सेरेमनी मनाई जाती है इसमें सारे के सारे ऑफिसर और सेलर सब के सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं नेवल फॉरेन ऑफिसर्स के लिए साइड को पाइप किया जाता है ऑल द टाइम चौबीस घंटे ठीक है ऑल द टाइम पाइप किया जाता है फॉरन नेवल ऑफिसर्स के लिए लेकिन उनके अलावा ठीक है इनके अलावा किन किन और लोगों के लिए पाइप किया जाता है साइड तो यहाँ पे वो बंदों के नाम मैंशन है तो ऑब्वियसली ऑनरेबल प्रेजिडेंट एंड हेड ऑफ़ स्टेट्स हेड ऑफ स्टेट्स में आपके गवर्नर आ गए यहाँ पे सारे के सारे फ्लैग ऑफिसर इन यूनिफॉर्म फ्लैग ऑफिसर टॉप के फोर जो रैंक्स होती हैं उनको कहा जाता है इनके लिए भी साइड को पाइप किया जाता है इन यूनिफॉर्म ऑल कमांडिंग ऑफिसर्स ऑफ कमीशन शिप्स एंड स्टैब्लिशमेंट्स अब जैसे अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स हैं भैया उनके भी सी हैं तो वो लोगों के लिए भी किया जाता है प्रेजिडेंट हैं या फिर कोई भी ऐसा मेम्बर ऑफ कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग और रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट कोर्ट जा रहे हैं या कोर्ट से आ रहे हैं उनके लिए ऑफिसर ऑफ गार्ड वाइल फ्लाइंग अपेंडेंट ठीक है जो गार्ड के जो ऑफिसर डिटेल किए जाते हैं उनके लिए और स्पेशली तब जब वो एक पेंडेंट को फ्लाई कर रहे हैं मतलब एक रिस्पेक्टिव टास्क के लिए उनके लिए पाइप किया जाता है ना फिर एक ऐसा एक ऐसी बॉडी जिसको ऑन uh, बोर्ड किया जाता है या सेंट आउट किया जाता है शिप से अब यहाँ पे बॉडी का मतलब लाश मत समझना दिस इज़ नॉट लाश यहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लाइक बिग ऑब्जेक्ट जैसे बॉडी में आप कोई सामान कह लो बड़ा बड़ा सामान कह लो तो जनरल टर्म के लिए बॉडी यूज़ किया जाता है इसमें शिप में कोई भी चीज़ लादनी है या वहाँ से बाहर ले जानी है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है सल्यूट बिटवीन वॉरशिप जब भी वॉरशिप पास करती हैं हार्बर में सी में वो सल्यूट एक्सचेंज करती हैं और uh, सी में सल्यूट्स को पाइप के द्वारा ही एक्सचेंज किया जाता है सनसेट है सनसेट एक ऐसी सेरेमनी है जहां पे नेशनल फ्लैग और नेवल इंसाइन को लोअर कर दिया जाता है थोड़ा नीचे कर दिया जाता है सनसेट सनसेट के टाइम पे ड्रेसिंग शिप आई टोल्ड यू ठीक है शिप को ड्रेस किया जाता है बढ़िया तरीके से और ओकेजन कौन से कौन से होते हैं इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे नेशनल मारीटाइम डे एंड नेवी डे देखो तीन डेज तो हमको याद रहते हैं इंडिपेंडेंस रिपब्लिक और नेवी लेकिन हम नेशनल मारीटाइम डे को भूल जाते हैं मारेटाइम डे याद रखना चार ओकेजनस हैं ओ ओ जी ठीक है ऑफिसर ऑफ गार्ड जब भी कोई शिप विज़िट करती है एक फ़ॉरन पोर्ट पर तो ऑफिसर ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब कि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो ऐसे ही आपका एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उनके ब्रांच के ऑफिसर को डिटेल कर दिया जाता है एज ऑफिसर ऑफ गार्ड अगला है आपका मैन एंड कंपनी मैन एंड शिप स्टैंडिंग ऑन द कैट वॉक फ्रॉम फॉक्सल टू क्वार्टर डेक एंड फेसिंग टूवर्ड्स द शिप विच बोर्ड्स द डिग्नेटरी तो बेसिकली कुछ नहीं है यहाँ पे कोई आपके डिग्नेटरी इंपॉर्टेंट पर्सन को लाया जाता है ठीक है तो प्रोसेस बता रखा है रिंगिंग इन द न्यू ईयर ठीक है वन ओ क्लॉक से मिड uh, नाइट में वन ओ क्लाक पे एक जनवरी को शिप्स को आ, शिप्स में जो बेल्स होती हैं उनको बजाया जाता है ठीक है एट टाइम्स गैंग वे में ठीक है न्यू ईयर को मार्क करने के लिए लॉन्चिंग सेरेमनी जब भी कील ऑफ अ शिप इज़ लॉन्च फॉर कंस्ट्रक्शन एट शिप यार्ड कील क्या होता है आपका जिस पे जो शिप है वो पूरी बनती है जो शिप का बेस होता है जिससे पूरी की पूरी शिप खड़ी होती है और कील हमेशा ना पानी में डूबी हुई होती है अगर हम एक शिप जो पानी में चल रही है उसमें बताएं कील का है तो कील एकदम बेस है जो पानी के नीचे है ठीक है यहाँ पर ये सेरेमनी को मनाया जाता है जब भी कोई भी शिप का एक बेस मतलब एक शिप बनना स्टार्ट होता है और उसका कम से कम जो बेस है ठीक है उसको लॉन्च कर दिया जाता है कंस्ट्रक्शन पे एंटरिंग या लीविंग अ बोट जो भी ऑफिसर्स हैं जब भी वो कोई बोट पे चढ़ते हैं उनको सल्यूट किया जाता है बाय द कॉक्सन आपको पता होगा जो बच्चे एन करते हैं या फिर जिन्होंने बोट पुलिंग कर रखी है तो बोट पुलिंग में भैया आपके बच्चे बैठते हैं राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट जो बोट को रो करते हैं और उनका एक कमांडर कह लो या लीडर कह लो है ना वो होता है आपका कॉक्सन बोलते हैं उसको तो कॉक्सन क्या करता है कमांड देता है कि कहाँ जाना है बोट को लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ जहाँ भी ले जाना है तो कॉक्सन ऑर्डर्स देता है उसके ऑर्डर्स पर बोट को चलाया जाता है अब यहाँ पे क्या है कि जब भी जो भी सीनियर मोस्ट हैं वो सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे पहले लीव करते हैं तो वही है सीनियोरिटी वाइज अगला है बोट हेलिंग जो कॉक्सन है आपका बोट का जब भी वही वॉरशिप से वो गुजरते हैं या ऐसे बोट से गुज़रते हैं जो फ्लैग ऑफिसर्स को कैरी करती है तो वो प्रॉपर मार्क देते हैं रिस्पेक्ट का ठीक है और बोट हेल करते हैं गन सल्यूट्स रियली इंपॉर्टेंट यू शुड नो दिस कि गन सल्यूट्स को फायर किया जाता है एज़ नेशनल सल्यूट इन हार्बर फॉर वी आई पी सच एस प्रेजिडेंट फ्लैग ऑफिसर गवर्नर एम्बेसडर एक्सेट्रा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि गन सल्यूट्स किस किस को दिए जाते हैं और कितने गन सेल्यूट दिए जाते हैं तो हाँ सबसे टॉप पे आपके प्रेसिडेंट आते हैं उनको 21 गन सल्यूट्स मिलते हैं देन योर एडमिरल विद 17 गन सल्यूट्स देन वाइस एडमिरल विद 15 गन सल्यूट्स, रियर एडमिरल विद 13 गन सल्यूट्स, कॉमोडोर विद 11 गन सल्यूट्स, और इनके अलावा और वी जो हार्बर में आते हैं सच एज गवर्नर एंड एम्बेसडर्स ऑल्सो अगला है आपका इंडियन नेवल अच्छा ठीक है ये दे आर सच सम्पोर्टेंट थिंग्स तो इसको आप एक बार देख लो इंडियन नेवल शिप्स को डिप्लॉय किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है इन लिबरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोवाइड करता है फ्लोटिंग रनवे टू द फाइटर एयरक्राफ्ट एट सी हेलीकॉप्टर्स जो है भैया वो लैंड करने के लिए उनको स्पेस चाहिए तो एयरक्राफ्ट कैरियर बड़ा सा रनवे होता है शिप के ऊपर जो बनाया जाता है ताकि आपका आराम से लैंड कर पाए फाइटर एयरक्राफ्ट्स फ्लीट को कमांड किया जाता है ऑफ फ्लैग ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ रियर एडमिरल रैंक याद रखिएगा रियर एडमिरल रैंक के ऑफिसर कमांड करते हैं फ्लीट को अकाउंटिंग स्टोरिंग ऑल टाइप ऑफ नेवल स्टोर वेक्चुअलिंग स्टोर एंड शिप्स कर रिस्पॉन्ड इज़ द ड्यूटी ऑफ लॉजिस्टिक ब्रांच ओके ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि भैया जो भी सामान है गन्ना वन्ना है ना आपका कितने यहाँ पर साबुन है ये है तोलिए हैं गन्नस हैं कितनी क्या कहाँ भिजवाना है एवरी थिंग वर्कस अंडर द लॉजिस्टिक ब्रांच पीस टाइम पर जो शिप को क्रूज किया जाता है वो नॉर्मली थ्री वॉच सिस्टम के हिसाब से चलती है वॉच सिस्टम कुछ नहीं होता वॉच सिस्टम इज़ जस्ट दिस की यार कैसे जिसे पूरा शिप है ठीक है पूरा शिप का एक क्रू है तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है थ्री वॉच सिस्टम में कि कौन सा वॉच सिस्टम कब एक्टिव रहेगा है ना कौन सा कब सोएगा कौन सा कब वर्क करेगा क्योंकि शिप में तो ऑल टाइम फंक्शनिंग चाहिए ना ऐसा तो नहीं है कि सुबह अपना काम करा दिन में रात को सो गए सारे के सारे लोग तो फंक्शनिंग चाहिए तो उसके लिए वॉच सिस्टम बनाया जाता है ऑफिसर एंड मैन आर डिवाइडेड इं टू डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन ऑब्वियसली जो जिसमें भैया टैलेंटेड है वो उसमें जाएगा आई करवार आपका एक माइंड स्वीपर है टाइप है शिप का कोई भी फोर वॉरशिप्स बताइए इन इंडियन नेवी आईएनएस राणा आईएनएस तलवार आईएनएस दिल्ली आईएनएस डेली आएनेस तबर आईएनएस त्रिशूल आईएनएस ज्योति आईएनएस गंगा आईएनएस गोमती ठीक है कोई भी चार नाम बता दो दे आर सो मैनी फिर है आपका ट्राई कलर जो है ठीक है मतलब एन सी फ्लैग को थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए कहा है एन सी सी का जो ट्राई कलर है ये दिखाता है तीन सर्विसेज रेड फॉर आर्मी ब्लू फॉर नेवी लाइट ब्लू फॉर एयर फोर्स सेंटर में सेवनटीन लीव्स जैसा क्रिस्ट है तो ये सेवनटीन डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करता है और इसका मोटो लिखा है बीच में एन सी सी का यूनिटी एंड डिसिप्लिन इक्विवेलेंट रैंक्स लिखनी है भैया तो आर्मी नेवी एयर फोर्स यू रीड दिस ठीक है आप इक्विवेलेंट रैंक पढ़ लीजिए क्योंकि ये तो इन्होंने पेपर में रैंडमली डाला है ऐसा कोई इक्विवेलेंट रैंक नहीं है कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट रैंक है और वो पूछी जाती है आपको इक्विवेलेंट रैंक का तो पूरा चार्ट याद करना ही पड़ेगा आर्मी में आर्मी नेवी एयरफोर्स में नॉन कमीशन और ऑफिसर रैंक तीनों याद करना पड़ेगा यू कैन जस्ट हैव अ लुक दिस ड्रॉ द एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसे क्वेश्चन तो कम ही आते हैं एन लाइक मैंने तो नहीं देखा प्रीवियस ईयर में भी नहीं देखा है बट हाँ आप देख सकते हो कि अगला है आपका राइट एनी टू कमांड्स ऑफ इंडियन नेवी वेस्ट नेवल कमांड ईस्ट नेवल कमांड दो बताइए डिस्ट्रॉयर क्लास शिप ऑफ नेवी आईएनएस एन राणा आईएनएस दिल्ली या मुंबई लिस्ट एनी टू लैंडिंग क्राफ्ट न्यूली कमीशन शिप्स ऑफ इंडियन नेवी आ, कोई भी लैंडिंग एयरक्राफ्ट बताओ ठीक है तो ये है आपके आई एन एस एरावत आई केसरी कोई भी दो ऑयल टैंकर्स बताइए ऑयल टैंकर्स आर रियली इंपॉर्टेंट ये ना काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं तो आई एन एस ज्योति शक्ति दीपक या मैनी कोई भी बता देना ने मैनी टू कैडेट ट्रेनिंग शिप्स आई एन एस तीर आई एन एस देखिए जो ये पेपर है इस पेपर में आ, जो आपका नेवल ओरिएंटेशन है उसके अंदर से लाइक काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकाल के ना वी हैव ट्राइड कि जो नेवल ओरिएंटेशन है इसको अच्छे से कवर कर लें तो नेवल ओरिएंटेशन काफ़ी हद तक तो इसमें कवर्ड है और अगर आपको लगे कुछ क्वेश्चंस जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं बहुत एडवांस्ड हैं आप उनको छोड़ भी सकते हो क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आएगा बट हम लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे लेवल के लिए प्रिपेयर करा हुआ है तो इसलिए अगर आप इसे कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम में और अगर हम बात करें बेस्ट कैडेट्स की तो यार ऑनेस्टली ये पेपर थ्रू आउट अभी जो मतलब चंद पेपर और लेकर आएंगे ना तो ये पेपर हम लोगों ने थ्रू आउट इंडिया से ही जो नेवी के ऑफिसर्स हैं वहीं से मतलब कॉन्टैक्ट करके ये पेपर्स का जुगाड़ का मतलब बात करी है तो यार आ, मुझे तो लगता है कि बेस्ट में दिस पेपर वुड बी वेरी 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 हेल्पफुल टू तो योर पीपल तो आप ये पेपर जरूर कर लेना अगर आप कोई भी बेस्ट बेस्केरेट का एग्जाम दे रहे हैं तो नेवी लिंक्ड हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ पहले ही आया था आई हैव टोल्ड यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन नेम कमांड्स इन इंडियन नेवी वेस्टर्न ईस्टर्न सादन और याद रखना अगर जब भी आपसे क्वेश्चन आता है कमांड्स का तो हमेशा थ्री प्लस वन लिखिएगा नेवर राइट फोर कमांड्स क्योंकि जो फोर्थ कमांड है वो हमारी ओरिजिनल कमांड नहीं है वो हम सब मतलब वो आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों की कंबाइंड कमांड है तो ऑलवेज राइट वेस्टर्न ईस्टर्न सदन प्लस वन विच इज़ लोकेटेड इन योर अंडमान एंड निकोबार नेम एनी टू माइंड स्वीपर क्लास शिप्स इन इंडियन नेवी आई एन एस कौनकान आई एन एस करवार आई एन एस रतन रतनगिरी वट डज एफ ओ सी आई एन सी वेस्ट स्टैंड फॉर एंड वेयर इज द हेड क्वार्टर सिचुएटेड फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन वेस्टर्न नेवल कमांड ये है आपका मुंबई में राइट द नेम एंड लोकेशन ऑफ टू इंडियन नेवल ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट्स आई एन एस वेन्डुरुथी आई एन एस जमोरन फोर क्लास ऑफ शिप बताइए विद वन एग्जाम्पल ईच एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस विराट आई एन एस विक्रमादित्य डिस्ट्रॉयर आई एन एस डेली मैसोर मुंबई राजपूत राणा रणवीर रंजीत फ्रिगेट ब्रह्मपुत्र बीस बेतवा एक्सेट्रा कॉर्विट आई एन एस खुकरी कोका कृपान एक्सेट्रा फिर है कमांड्स आई टोल्ड यू नेम टू शिप यार्ड वेर आर बिल्ड हाँ दिस इज नाइस क्वेश्चन बीसी से लिंकड हाँ सच में अच्छा क्वेश्चन है डू दिस क्वेश्चन फॉर बेस्करी फी डूइंग इट मैजगॉन डॉक लिमिटेड मुंबई गार्डन रीच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड नेम द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग हॉस्पिटल शिप तो धनवंतरी पोर्ट ब्लेयर निवारिणी चिल्का Name to Naval Air Station and the location INS Hanskoa, INS Deg Vizag. Uh, write the function of any two class of ship INS. Uh, aircraft carrier to carry frigate, aircraft at high seas, oil tanker to pro provide fuel and वाटर एट सीज राइट रैंक्स आई टोल्ड यू कि भैया पूरा ही लर्न करना पड़ेगा यह आप एक बार पढ़ सकते हो पॉज करके आंसर फॉलोइंग इन वन सेंटेंस कोई भी दो बेस बता दो इंडियन नेवी के आई ए आई एन ए एस कुंजली आई एन एस डेग रजाली uh, कोई भी हॉस्पिटल हॉस्पिटलशिप बता दो कल्याणी अश्विनी जीवन धन धनवंतरी नेम द स्कूल वेर कम्युनिकेशन ऑफिसर एंड सेलर्स आर ट्रेन सिग्नल स्कूल कोची हु इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ़ एन सी सी बताइए नीचे हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में इन द ब्लैंक्स प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ इज फिर वही आ गया क्वेश्चन राइट इट डाउन सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज वाओ ये बहुत टिलटेड पूछा हुआ है ना डायरेक्टली ना पूछ के कि प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के पूछा है कि कौन है सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस तो शी इज डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू एंड फिर है आपका आईएनएस रजाली नेवल एयर स्टेशन है लोकेटेड एट आरकोंग नम शिप्स कंपनी इन पीस टाइम इज डिवाइडेड इन थ्री वॉच आईएनएस एन तुनीर इज मिसाइल असेंबलिंग यूनिट नेम ऑफ एडीजी ऑफ महाराष्ट्र डायरेक्ट इसको याद करने इज स्टे ट्रू एंड फॉल्स तो अब भैया वही है कि जैसे आपने सब अगर पढ़ रखा है नेवल ओर में यू नो द बेसिक्स तो इसमें जैसे वही है कि आई एन एस गंगा इज अ डिस्ट्रॉयर बताओ है या नहीं तो इफ़ यू नो सो यू नो राइट कि वेदर इट इज और इट इज नॉट तो इसको आप एक बार रीड कर लीजिए एंड लेट्स स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक ड्रॉट ठीक है ये क्या होता है द डेप्थ ऑफ कील बिलो द वाटर लाइन एट एनी पॉइंट अलॉन्ग द हल हल क्या है मेन बॉडी ऑफ द शिप कील क्या है आपका एकदम लोअर बेस जहाँ से शिप बनना स्टार्ट होती है तो जो डेप्थ है बिलो द वाटर लाइन इसको हम बोलते हैं ड्रॉट गैंगवे आपका पैसेज है जिसको यूज़ किया जाता है बिटवीन शिप टू शिप एंड शिप टू जेटी फॉर ट्रांसफरिंग मेन एंड मटीरियल A dragging ship is said to be dragging when instead of holding the sea bed, anchor is moving along with the ship. See, हमें ये चीज़ पता है कि जब भी हमको शिप को रोकना होता है उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है हम एंकर डालते हैं पानी में तो जब एंकर को पानी में हम डाल देते हैं और लेकिन तब भी हमारी जो शिप है वो नहीं रुकती बल्कि जो शिप का और जो पानी का बहाव है वो एंकर को ही खींचता हुआ घसीटता हुआ ले चला जाता है तो दैट इज़ नोन एज ड्रैगिंग मतलब वेन द एंकर ड्रैग्स अलॉन्ग दी बेट तो इसको हम बोलेंगे अच्छा तो जो सेरेमनी है लाइन सेरेमनी द क्रॉसिज सेरेमनी इज कंडक्टेड यहाँ पे एक नई चीज देखने को मिली है इज इट इज कंडक्टेड इन द नेम ऑफ लॉर्ड वरुण इन विच वेरियस राइट्स आर कैरीड आउट तो uh, ये हमको मिला पढ़ने को कि भैया लॉर्ड वरुण जिन्हें हिंदुज़्म में पानी के या ओशन के देवता भी बोलते हैं तो उनके नाम पर ये राइड्स कंडक्ट होते हैं सबमरीन्स को यूज़ किया जाता है फॉर अंडर वाटर वॉरफेयर ऑपरेटिंग ट्रेनिंग फॉर क्रू फॉर स्पेशलाइज्ड वेपन सोनार सेंसर और अदर इक्विपमेंट भी इसमें लगे होते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर ऑपरे ऑपरेटेड बाई इंडियन नेवी सी हेरियर आई एल थर्टी एट टी यू वन फोर्टी टू कामोस सी किंग डोनियर्स एंड चेतक अगेन अ क्वेश्चन फॉर बी सी इनस्टेट बी सी मटेरियल क्वेश्चन है है ना बी सी क्लैक् कर रहे हो उसको देख लेना इक्विलियन ट्रांक फिर से आ गया फिर है आपका लिस्ट सिक्स ब्रांचेस ऑफ इंडियन नेवी फिर से आ गया रिपीटेड है अगला है लिस्ट डाउन बेसिक टाइप ऑफ प्रोपल्जन तो ये है आपके डीजल प्रोपल्जन स्टीम टर्बाइन गैस टर्बाइन न्यूक्लियर टर्बाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबव ये है ऑर्गेनाइजेशन बताइए ऑन शिप तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी रैंक के ऑफिसर आपके अगर शिप में आते हैं तो उनको कैप्टन की ही उपाधि दी जाती है उनको कैप्टन नाम से ही संबोधित किया जाता है दैट पर्सन इज़ या दैट ऑफिसर इज़ सेड कैप्टन ठीक है तो जैसे बोलते हैं ना कि शिप में भैया कैप्टन इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पर्सन तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि वो जो ऑफिसर हैं उनकी एक्चुअल में इंडियन नेवी के रैंक पैनल के हिसाब से उनकी कैप्टन रैंक ही हो ही कैन बी अ कॉमोडोर ही कैन बी अ रियर एडमिरल लेकिन जब वो शिप में आएंगे तो और शिप में जब मतलब सबसे हायर रैंक उन्हीं की होगी तो तब उनको कैप्टन नाम से संबोधित किया जाएगा चीफ फिर आपके डिविजनल ऑफिसर आ गए फिर सीनियर सेलर जूनियर सेलर ठीक है डिविजन हो जाएगा मैच द फॉलोइंग लिस्ट डाउन द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ नेवल ऑफिसर्स यार रैंक स्ट्रक्चर आप याद करोगे तो नेवल ऑफिसर्स का रैंक स्ट्रक्चर भी आना इम्पोर्टेंट है तो कैडेट सब लेफ्टिनेंट 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 कमांडर क, कमांडर कैप्टन कॉमोडो रियर एडमिरल वाइस एडमिरल 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 ऑफ़ द फ्लीट एंड यू शुड नो वन मोर थिंग कि एडमिरल ऑफ द फ्लीट की जो रैंक है ये अभी तक किसी को भी नहीं अवॉर्ड की गई है जैसे आ, बस हो गया लिस्ट डाउन द रैंक स्ट्रक्चर एंड सेलर ऑफ इंडियन नेवी एस एस आर सी टू या इक्विवेलेंट या सी वन फिर है आपका लीडिंग सीमैन पे टी ऑफिसर चीफ पेटी टी ऑफिसर मासाप वन मासाप नहीं मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर टू एम सी पी ओ वन लिस्ट आउट द फ्लैग ऑफिसर इन इंडियन नेवी तो ये हैं आपके कॉमोडो रियर एडमिरल वाइस एडमिरल एडमिरल लिस्ट आउट फ्लैग ऑफिसर इन इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर मेजर जनरल लेफ्टिनेट जनरल जनरल एक्सपैंड फॉलोइंग अगेन जो हमने नहीं करा है वही मैं बताऊँगी रेस्ट आई गेस हमने इसमें से कुछ भी नहीं करा है कोई बात नहीं लेट्स लेट्स रिवाइज देंट आई थिंक सी ओ है आपका कमांडिंग ऑफिसर ई एक्स ओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी ओ गनरी ऑफिसर एस सी ओ सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर एस डब्ल्यू ओ एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑफिसर आर ओ रेगुलेटिंग ऑफिसर एन बी सी डी ओ न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डैमेज कंट्रोल ऑफिसर ओ इलेक्ट्र इंजीनियरिंग ऑफिसर एल ओ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एल ओ जी ओ लॉजिस्टिक ऑफिसर पी एम ओ प्राइम प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर रिमेम्बर द फुलॉर्म्स आई दू आर प्रिपेयरिंग फॉर सर्टिफिकेट एग्जाम ऑफ अ बेस्ट कैडेट राइड द एब्रेविएशन हम लोगों ने इसमें मेजर एब्रेवियस कर रखी है ये देख लो सी ऑफ वाई कॉमोडोर ऑफ यार्ड ठीक है फिर है आपका एनओ आई सी नेवल ऑफिसर इन चार्ज FOMAG Flag Officer, Maharashtra and Gujarat area. Topic is Gunnery and ASW Weapons. सो लेट्स गेट स्टार्टड विद डैट सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा लिस्ट टेन पार्ट ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर अगर देखा जाए तो इट इज़ द जनरल एस एल आर तो मजल ट्रिगर ट्रिगल कार्ड सेफ्टी कैच बट बट प्लेट काकिंग लेवर फोर साइड बैक साइड मैगजीन मैगजीन रिलीजिंग यू कैन जस्ट लर्न एनी टेन और टेन ना लर्न करके ही जाना ये ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है एंड इट इज़ वेरी कॉमनली यूज Write 10 parts of SLR. It is uh, most commonly used. List the type of lookouts. ऑफ ठीक है तो आपका lookouts जैसे आ, आपने देखा होगा कि यार obviously watch रखते हैं जैसे आपके कोई भी आ, body है water body है तो उसमें से बाहर आ, lookouts रखते हैं ठीक है तो दो type के आ, lookouts हैं ठीक है आ, majorly पहला है blind lookout. ठीक है इसको radar के through लुकआउट रखा जाता है बाहर देखा जाता है अगला है विजुअल लुकआउट ठीक है तो जो आपका विजुअल लुकआउट है इसके अगेन पांच टाइप है तो विजुअल लुकआउट में सबसे पहला सबमरीन है ना डिपेंड करता है कौन सा बॉडी है सबमरीन है तो भैया सबमरीन का लुकआउट अलग होगा शिप का अलग तरीके का होगा हेलो लुकआउट एक्शन लुकआउट माइंड लुकआउट थर्ड क्वेश्चन है नेम एनी थ्री गन्स फिटेड ऑन बोर्ड शिप ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है है ना लेकिन कॉमन शिप में ही पूछा जाता है तो आप इसको कर लेना ए वन नाइन्टी तलवार में त्रिशूल तबर क्लास ऑफ शिप में ठीक है ए के टेन इन मुंबई दिल्ली मैसूर क्लास ऑफ शिप एस आर जी एम जो है आपका सुपर रैपिड गन माउंट ब्रह्मपुत्र और शिवालिक क्लास ऑफ शिप में अगला है ट्रू एंड फॉल्स तो जो चाफ रॉकेट्स हैं उनको यूज किया जाता है अगेंस्ट द मिसाइल जो एनिमी फायर करता है तो सही है मॉर्निंग uh, वॉच चार बजे से स्टार्ट होती है टू एट आवर्स ऑन बोर्ड ये भी सही है गनरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं आपके वॉच एंड क्वार्टर बिल के लिए वॉच एंड स्टेशन बिल शो करते हैं एक्शन स्टेशन ऑफ ईच क्रू ऑफ अ शिप तो ये भी सही है कि जो वॉच और स्टेशन बिल्स हैं ये शो करते हैं एक्शन और स्टेशन ठीक है जो भी मेंबर हैं क्रू है जो शिप का उनका फिर हार्बर में जो शिप कंपनी है ठीक है वो एक डिफेंस वॉच में रन करती है तो ऐसा नहीं है क्योंकि हार्बर में क्यों वो डिफेंस वॉच के अंडर रन करेगी फॉल्स है ऐसे आपका सरफेस टारगेट के लिए यूज़ किया जाता है ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि नाम ही इसका सरफेस टू एयर मिसाइल है गनरी योमैन वर्क अंडर जी ओ ठीक है गनरी ऑफिसर तो नाम से ही लिंक हो रहा तो है flag, mast, mm carry, arms, तो ट्रू है ड्योरिंग एवोल्यूशन ऑफ एम्यूनेशन या फ्यूलिंग फ्लैग पापा इज होस्टेड ऑन मेन मास्ट फॉल्स वेपन्स लेस देन ट्वेंटी एम एम कैलिबर एंड ईजी टू कैरी इज नोन एज स्मॉल आर्म्स तो डेफिनेटली ट्रू है तभी उसका नाम स्मॉल आर्म्स है है ना इन कमांडिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एफिशियंट रनिंग ऑफ शिप रूटीन इन हार्बर ठीक है तो भैया सुप कमांडिंग ऑफिसर सी के पास और बड़े लेवल के काम्स हैं तो दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स तीन मूवमेंट होते हैं सलामी शास्त्र में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कॉमन में भी पूछ लिया जाता है ठीक है तो याद रखना कि सलामी में जब भी हम चढ़ाते हैं तो तीन हमारे स्टेप होते हैं दौड़ के चल में 180 स्टेप्स पर मिनट होते हैं 150 मेन इन टाइटल होते हैं या 150 मेन की गार्ड चढ़ती है प्रेसिडेंट को और 150 हंड्रेड मैन की ही गार्ड चढ़ती है प्रेसिडेंट को बाकी सब के लिए अलग है इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर थ्री हंड्रेड यार्डस है मैक्सिमम फॉरवर्ड रियर स्टेप एट टाइम इज फोर स्टेप्स इन अ मिनट मैगजीन कपेसिटी ऑफ सेवन पॉइंट सिक्स टू एम एम एस एल आर ट्वेंटी राउंडस है द नंबर ऑफ स्टेप्स पर मिनट इन धीरे चाल तो सिक्सटी फाइव स्टेप्स इन अ मिनट मैक्सिमम साइड स्टेप्स एट अ टाइम आर सिक्स स्टेप्स At a time when a weapon is handed over to another person, ensure that a safety catch is at a safe position. Safe uh, efficient range of 5.56 uh, mm in size is 400 meters. Maximum range of 9 mm pistol is 50 meters. Uh, president is a title for 21 gun salutes. Range officer is responsible to conduct firing at firing range. Line may by him order is given on left foot. सामने सल्यूट इज गिवन ऑन राइट फुट नो स्टेप्स विल बी टेकन टू द फ्रंट बाय मध्य लाइन एट द ऑर्डर खुली लाइन चल ठीक है, वी ऑल नो कि मध्य लाइन नहीं चलती है एंगल बिटवीन द अपर आर्म एंड फोर आर्म इज फोर्टी फाइव डिग्री वाइल सल्यूटिंग क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है विच आर टू बी सीन एट द लाइंग पोजीशन फॉर फायरिंग राइट टो लेफ्ट हैंड की एल्बो और जो राइफल टारगेट है ये आपका वन लाइन में होना चाहिए सीधी लाइन में आना चाहिए बैरल किसी भी हालत में ग्राउंड को टच नहीं करनी चाहिए बॉडी पोजिशन एक हमारी एंगल पर होना चाहिए टू द टारगेट लेग्स हमारे ओपन होने चाहिए और जो हील्स हैं वो इनर ग्राउंड मतलब अंदर की तरफ से ग्राउंड को टच करना चाहिए राइट डाउन द वॉच एंड पीरियड्स यूज इन इंडियन नेवी तो नंबर ऑफ वॉच भैया मिडिल मॉर्निंग फोर नून आफ्टर फर्स्ट डॉग वॉच सेकेंड डॉग और फर्स्ट वॉच तो मिडिल वॉच आपका लगती है वन टू फोर ठीक है चार घंटे का है मॉर्निंग आपकी लगती है फोर टू एट फोर नून लगता है एट टू ट्वेल्व थर्टी फिर आपका आफ्टर नून का लगता है ट्वेल्व थर्टी टू चार ठीक है फिर फर्स्ट डॉग लगता है आपका चार से छः फिर छः से आठ फर्स्ट वॉच लगता है चार से सॉरी फिर फर्स्ट वॉच लगता है आठ से हमारा बड़ा राइट डाउन द टाइप्स एंड ड्यूरेशन ऑफ़ पाइप यूज इन इंडियन नेवी तो कौन से कौन से पाइप दिए जाते हैं स्टिल पाइप इज़ फॉर एट सेकेंड जनरल कॉल इज़ फॉर फाइव सेकेंडस हैंड्स कॉल इज फॉर थर्टीन सेकेंडस पाइप डाउन इज फॉर टेन सेकेंड साइड पाइप इज फॉर ट्वेल्व सेकेंड कैरी ऑन इज फॉर टू सेकेंड्स एक्सपैंड करना है सी आई डब्ल्यू एस क्लोज इन वेपन सिस्टम एम आर जी मीडियम रेंज गन एस एस एम सरफेस टू सरफेस मिसाइल एस ए एम सरफेस टू एयर मिसाइल एस एल एस एम सोफेस टू एयर मिसाइल एस एल आर सेल्फ लोडिंग राइफल इन सान साज इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम वॉट इज़ सी आई डब्ल्यू एस एन एक्सप्लेन तो भैया ये जो गन्स होती हैं ये प्रोवाइड करती हैं एक्शन ठीक है action. किन के अगेंस्ट टारगेट के अगेंस्ट और कौन से टारगेट जो विजुअल रेंज में होते हैं एट सी मतलब जिनको हम लोग नॉर्मली अपने नेकेड आई से देख सकते हैं ठीक है जिनको नॉर्मली हम खड़ा होगा कोई सेलर वहाँ पे तो वो देख सकता है अपनी आई से और ये यूजुअली टू टू एट नॉटिकल माइल्स तक होते हैं ये जो गन्स होता है इनका वेरी हाई रेट ऑफ फायर होता है धड़ 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 फायर होती है फटाफट ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑटो कंट्रोल होते हैं एक रिमोट पोजिशन से ठीक है आप ज़रूरी नहीं है कि आप खड़े होके चलाओगे आप पीछे से आगे पीछे छुप के इन्हें कंट्रोल कर सकते हो कॉमन सी आई डब्लू एस मतलब जो है ठीक है उनके नाम है ये और सी आई डब्लू एस यार एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो पूछ लिया जाता है इसको आप कर लेना और इसके नाम जरूर याद कर लेना नाम आ, आ जाते हैं एग्जाम्पल्स में पूछ लिया जाता है और एग्जाम्पल लिखोगे ना तो ऑब्वियसली आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं ए के थ्री ए के सिक्स थर्टी ए के टू थर्टी सी आर एन नाइन वन थर्टी एम एम मेडक फोर्टी या सिक्सटी बोफोर्स गन वीडियम रेंज कन एंड एक्सप्लेन मीडियम रेंज कन वो गान होती है जिनका मीडियम रेंज होता है ठीक है इन एक्सेस ऑफ विजुअल रेंज मतलब वही ठीक है कि जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं जो विजुअल रेंज है उससे थोड़ी ज़्यादा रेंज होगी 10 टू 15 नॉटिकल माइल्स तक इसकी रेंज होगी ये गन्स एसोसिएट होती हैं एक गनरी रेडार से ठीक है और इनका जो सिस्टम है इनका होता है वेपन कंट्रोल सिस्टम जैसे ऊपर वाले का था रिमोट पोजिशन से कंट्रोल हो जाती है, है ना इनका ऑटो कंट्रोल सिस्टम था इसका वेपन कंट्रोल सिस्टम है साथ में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अक्वायर भी कर सकते हैं टारगेट को और आ, ये मतलब बेस्ट तरीके से सूट हो सकते हैं गन और शिप मतलब वही है कि कहाँ तुम इसको बेस्ट तरीके से लगा सकते हो शिप और वहाँ पे और कॉमन जो है आपके सी आई डब्ल्यू एस ठीक है ये आपका ए के हंड्रेड जो यूजुअली डेली क्लास में लगता है ठीक है लास्ट लाइन में यही बता रखा है कि कौन सी शिप में यूजुअली इसको हम इंगेज कर सकते हैं ए के वन सेवेंटी सिक्स कॉर्वेट और किलर क्लास में लग सकता है एस आर जी एम ब्रह्मपुत्रा क्लास और शिवालय क्लास में लग सकता है और आपका आ, ए के सेवन ट्वेंटी सिक्स ये आपके आर क्लास में लग सकता है अच्छा इससे आई रिमेंबर वन क्वेश्चन फटाफट से कमेंट डाउन कि कौन से आर क्लास की शिप रिसेंटली आपका डिकमेशन हुई है अब रिसेंट मतलब एक साल हो गया है उसको आई गेस वन या वन पॉइंट फाइव ईयर हो गया डिकमेशन हुए हुए लेकिन स्टिल हम उसको थोड़ा तो तो रिसेंट कैटेगरी में ही रखेंगे क्योंकि उसके बाद कोई आर क्लास की शिप डिकमेशन हुई नहीं है तो हो सकता है पेपर में आ जाए ठीक है तो आप एक बार आ, लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या है उसका आंसर आई वुड लव टू रीड विच गन इज़ फिटेड ऑन द सर्फेस प्लेटफॉर्म शिप्स अच्छा ठीक है तो अब इन्होंने सिंपल पूछा है सरफेस प्लेटफॉर्म शिप्स में कौन सी कौन सी फिट होती हैं तो ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत देख लो ठीक है एयरक्राफ्ट कैरियर है ठीक है फोर्टी एम एम ठीक है टू दो नंबर <laughs> है ना डेली क्लास ठीक है ए के हंड्रेड और एक नंबर ठीक है थर्टी एम एम चार नंबर और राजपूत क्ला अच्छा हाँ जैसे मैं इसको बता रही हूँ ना इसको ऐसे लिख कर आना जो यहाँ पे लिखा है वही लिख कर आना क्योंकि हमारी बोलने की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है और लिखने की लैंग्वेज थोड़ी अलग होती है द वे वी से अ थिंग ठीक है दैट इज़ स्पेल्ड डिफरेंटली मेनी टाइम्स और जो वो लिखा होता है द रिटन थिंग दैट इज़ कंप्लीटली डिफरेंट वाइल वी राइट इट ठीक है सो वट जैसे अगर यहाँ पर लिख रखा है टू एन ओ एस ठीक है तो वेन इट विल कम इन योर एग्जाम काइंडली राइट टू एन ओ एस ठीक है तो डोंट राइट वट एम स्पेलिंग इट तो शिवालिक क्लास एस आर जी एम तलवार क्लास ए के हंड्रेड ठीक है एक नंबर सेवन कश्तान दो नंबर ठीक है खुकरी क्लास ए के वन सेवनटी सिक्स सेवन, से एक नंबर तीन एम एम दो नंबर वीर क्लास में लग गया आपका ए के वन सेवनटी सिक्स एक नंबर थर्टी एम एम दो नंबर इसमें देखो अगर आपको ये भी इसमें देखो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर आपको ये याद है ठीक है कि डेली क्लास क्या है कि वो डिस्ट्रॉयर है या वो फ्रिगेट है या फिर वो आ, मतलब या फिर वो आपका एलएसटी है ठीक है क्या चीज़ है तो वो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि कि कौन सी गन्स आपके डिस्ट्रॉयर में लगी होती है ठीक है इंस्टेड की वो ऐसे पूछें कि डेली क्लास में क्या लगा होता है ठीक है वो ट्विस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को ये पूछ सकते हैं कि विच गन्स आर फिटेड ऑन द शिप्स ऑफ डिस्ट्रॉयर क्लास है ना ऐसे करके भी पूछ सकते हैं तो आपको तो अब जब आप पढ़ोगे नेवल ओरिएंटेशन में आगे का बड़ा सा चार्ट जब पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि वीर क्लास क्या है खुकरी क्लास क्या है तलवार क्लास क्या है है ना तो ये यू विल नो इट अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गनरी डिपार्टमेंट तो इसमें आपके आ जाते हैं ई फिर गनरी ऑफिसर ठीक है फिर आपके गनरी ऑफिसर सेकेंड थर्ड फोर्थ ठीक है फिर सी ओ टी फिर है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैगजीन अ कंपार्टमेंट और लॉकर स्पेशली डिजाइन टू बी सेफ फॉर परमानेंट और टेम्प्ररी स्टोरेज ऑफ एनी ऑफ द एक्सप्लोजिवस आप जहाँ पे आपके एम्यूनेशन रखी जाती है वो वाली मैगज़ीन है कैलिबर कैलिबर है आपका नॉमिनल डायमीटर ठीक है कि इसका डाए एक ऐसा बोर ऑफ अ गन ठीक है जिसमें जो बैरल है ठीक है उसको मेजर किया जाता है अक्रॉस द बोर फिर है आपका इफेक्टिव रेंज जो रेंज है विद इन ठीक है किसकी रेंज विद इन द एक्यूरेट एंड लेथल फायर कैन बी एकम्प्लिश्ड विद इन अ पर्टिकुलर वेपन एम्यूनेशन एंड साइटिंग इंस्ट्रूमेंट इन यूज़ कई वाला कि भैया कहाँ तक वो प्रॉपर मतलब कितने डिस्टेंस पे मतलब उसकी एक जो एक स्पीड है मतलब एक एक्यूरेसी जो है उसकी ठीक है वो कितने डिस्टेंस तक मेजर कर सकते हैं ठीक है अलग अलग जैसे है जैसे किसी गन की है थर्टी किसी गन की है सिक्सटी किसी गन की है ले लो पाँच सौ ले लो ठीक है तो फिर वही है कि वो उसका वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है जो सारे गन्स में देखा जाता है ठीक है तो वही इफेक्टिव रेंज कहलाता है फिर है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गनरी ऑफिसर तो गनरी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे एक्सप्लोजिवस और एक्सप्लोजिव स्टोर्स जो हैं ठीक है उनका ध्यान रखे ठीक है ये नहीं कि कोई भैया उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो भैया दैट कैन बी अ वेरी बिग डिजास्टर क्योंकि वहाँ के नॉर्मल पटाखे नहीं होते ना दे आर वेरी डेंजरस एंड दे कैन बी वेरी तो uh, अगला है इंश्योर करना सेफ्टी फॉर रेगुलेशन ऑफ एक्सप्लोजिवज इन कस्टडी ठीक है और जो अटेंशन है ऑफिसर्स का ठीक है वो भैया अपने डिपार्टमेंट के बाहर उनका भी मतलब वो करके रखे ओ ओ डब्ल्यू को ठीक है uh, और जो ड्यूटी uh, ऑफिसर है उनको भी इन्फॉर्म करके रखे अबाउट द वेपन एंड एक्सप्लोजिवस ठीक है जिनको एक्सपोज किया जा रहा है ऑन द डेक ठीक है जो रिक्वायर करते हैं रेडियो रेडार रिस्ट्रिक्शन या ट्रांसमिशन मतलब वही ठीक है कि अगर भैया वहाँ से कोई भी एक्सप्लोजिव निकलते हैं उस बंदे का जहाँ जहाँ उसको अपॉइंट uh, करा हुआ है ना वहाँ से कोई भी अगर एक्सप्लोजिवस बाहर निकलते हैं तो वो आपका आ, बाहर निकल के कहीं भी उनको डिस्प्ले पे लाया जा रहा है ठीक है या फिर उनको किसी भी यूज़ के लिए लेकर आया जा रहा है तो उन सब का भैया उसे घुड़ता चिट्ठा सब पता हो ठीक है इंश्योर करना कि जो एक्सप्लोजिव लॉग है ठीक है ये अप टू डेट है और इसके जो एक्सप्लोजिवस हैं ठीक है थीके? वो दे आर अंडर हिज चार्ज एक्सप्लेन करो वॉच बिल एंड क्वार्टर बिल एंड इन्फॉर्मेशन रिक्वायर टू प्रिपेयर इट तो इसको प्रिपेयर कर दिया जाता है बाय ईच डिपार्टमेंट ऑफ द शिप ठीक है हर डिपार्टमेंट उसको शिप का बनाता है डिस्प्ले करा जाता है उसको डिपार्टमेंट के बाहर ठीक है लगा दिया जाता है और डिपार्टमेंट का रेगुलेटर जो है ठीक है वो उसको प्रिपेयर करता है ये बताता है कि अलग अलग क्वार्टर जो हैं ठीक है और कौन से कौन से पर्सनल को ठीक है कब कब जाके अपनी ड्यूटी लगानी है वहाँ पे और वाइट बोर्ड पे उसको लगा दिया जाता है उसमें क्या क्या होता है कि उसका नंबर होता है नेम रैंक ठीक है एक्शन स्टेशन डिफेंस स्टेशन क्रूजिंग स्टेशन की मतलब कहाँ पर कहाँ पर कहाँ उस बंदे को ड्यूटी देनी है क्या करना है डिफरेंस क्या है वॉच बिल वॉच क्वार्टर बिल और वॉच एंड स्टेशन बिल के बीच में डिफरेंस तो वॉच और क्वार्टर बिल इसे प्रिपेयर किया जाता है हर डिपार्टमेंट में हर शिप के और उसको डिस्प्ले कर दिया जाता है इन द डिपार्टमेंट इसको मतलब उसको प्रिपेयर कर दिया जाएगा शिप के अंदर और जो डिपार्टमेंट है उनका पर्टिकुलर उसके अंदर ही उसको डिस्प्ले करा जाएगा उसको प्रिपेयर किया जाता है बाय द डिपार्टमेंटल रेगुलेटर जो भी हमने ऊपर पढ़ा वॉच एंड स्टेशन बिल को प्रिपेयर करता है गंदरी ऑफिसर डेटा रिसीव करते हैं वो अदर डिपार्टमेंट से सारे डिपार्टमेंट से डेटा मिल जाएगा फिर गंदरी ऑफ़िसर उसको प्रिपेयर uh, करते हैं बिल को और ये कंसोलिडेटेड लिस्ट जो है ठीक है इसको इसकी एक प्रॉपर जगह होगी कि कहाँ इसको डिस्प्ले किया जा रहा है और uh, जो शिप का वॉच और स्टेशन बिल है ठीक है उसके हिसाब से और कस्टमरी है कि इसको अपडेट किया जाएगा हर बार ठीक है प्रायर पुटिंग आउट टू द सी मतलब ये है कि इसको हर बार अपडेट किया जाएगा जितनी बार भी शिप आपकी सी पे निकलेगी बाहर राइड डाउन फाइव सरफेस टू सरफेस मिसाइल एस एस एम तो फॉलोइंग एस एस एम को फिट किया जाता है तो पहला है आपका कल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम वी एल एस ठीक है फिर है ब्रह्मो सुपरसोनिक मिसाइल यूरेन ई -E, पी ट्वेंटी धनुष धनुष वही वाली है नेवी वर्जन ऑफ पृथ्वी मिसाइल राइट डाउन एनी फ़ाइव सरफेस टू एयर मिसाइल एस एम तो अब अब अभी ऊपर तो क्या था आपका एस एस एम था अब यहाँ पे एस एम आ गया है एस एम है आपका बैरक वर्टिकल लॉन्च वी एल uh, शीतल मिसाइल एस ए एन सेवन मिसाइल कश्तान एल जी एल ए वन ई स्थिरिला टू एम फिर है मिसाइल फिटेड ऑन इन सर्फेस प्लेटफॉर्म देखो यार ऐसे क्वेश्चन ना मैंने जनरली तो सर्टिफिकेट एग्जाम में इतने नहीं देखे हैं बट uh, वही है ठीक है कि अगर आपके पास टाइम है आप पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो तो कर लो ठीक है बट अगर लिटरली आप एंड मिनिटर हो कि एंड टाइम में पढ़ रहे हो और यू नो जस्ट तो जितना कर सकते हो मैक्सिमम उतना करो लेकिन गनरी डिपार्टमेंट को छोड़ मत देना क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने अलग अलग मार्क्स होते हैं बट जो ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं ना अगेन आई वुड से बेस्ट किरेट्स में इसमें थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता है डेली एयरक्राफ्ट कैरियर मैं बैरक वी एल सैम सीन डेली क्लास में सिक्सटीन यूरान एस एस एम ठीक है या बैरक एस एम कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे कौन सी कौन सी मिसाइल फिट करी जा रही है ऊपर तो अभी हम लोगों ने वो जाना था कि भैया कौन से कौन से सी आई डब्ल्यू एस लग रहे हैं और क्या चीज़ें लग रही हैं अब यहाँ पे मिसाइल की बात आ जाती है जो अभी हमने जस्ट ऊपर पढ़ा एस एस एम और एस एम राजपूत क्लास में लग जाती है जनरली ब्रह्मोस एस एस एम शिवालय क्लास में एट इंटू क्लब वी एल एस खुखरी क्लास में पी ट्वेंटी एस एस एम वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है याद करना आप कर सकते हो आराम से याद ज़्यादा नहीं है याद करने के लिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग हाँ इसके बीच में डिफरेंस स्ट नो ठीक है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जो एक सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ फॉलो करती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग वन और मोर वॉर हेड्स टू आ सेवेंटी नाइन प्री डिटर्मिनारगेट टिल डेट बैलिस्टिक मिसाइल है प्रोपेल्ड ड्योरिंग पावर्ड फ्लाइट बाई केमिकल रॉकेट इंजन्स ऑफ वेरियस टाइप तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो एक सब ऑर्बिटल बैलिस्टिक फ्लाइट पाथ फॉलो करती है कहने का मतलब ये होता है कि इसका एक फिक्सड पाथ होता है जिस पाथ पर यह जाती है और uh, मतलब वही है कि एग्जैक्टली exactly इसका कोई निशाना नहीं होता जैसे आपने देखा होगा ना कि एक टारगेट जहाँ जहाँ जा रहा है पीछे पीछे मिसाइल जाती है वैसा इसका कुछ खास सीन नहीं होता ठीक है लेकिन स्टिल बैलस्टिक मिसाइल्स को काफ़ी यूज़ किया जाता है और इसको ज़्यादातर प्रोपेल किया जाता है बाई केमिकल रॉकेट ठीक है इंजन्स तो ये जनरली किससे पावर्ड होती है ठीक है ये कहाँ से पावर करती है अपनी फ्लाइट को केमिकल रॉकेट इंजन से अलग अलग टाइप के क्रूज़ मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल होती है तो बेसिकली अगर हम बोले डिफरेंस तो दो के बीच में ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है विच इज़ बैलिस्टिक और गाइडेड लेकिन जो क्रूज़ है ना वो काफ़ी हद तक गाइडेड के अंदर ही आ जाती है तो जो क्रूज मिसाइल है ये गाइडेड मिसाइल होती है जो मेजर पोर्शन होता है इसका ठीक है ये टारगेट बेस होता है वही कि जहाँ 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 टारगेट जाएगा पीछे पीछे एक पूछ की तरह उसके पीछे पीछे जाएगी लैंड बेस या सी बेस टारगेट कुछ भी हो सकता है ठीक है इस कंडक्टेड एज अप्रॉक्सीमेटली कॉन्स्टेंट विलोसिटी ठीक है कांस्टेंट स्पीडस की होती है ये एक डाइनमिक रिएक्शन पे डिपेंड करती है ऑफ एयर फॉर लिफ्ट ठीक है इसका वही है कि मतलब थोड़ा इन्वामेंटल कंडीशन भी अकॉर्डिंग uh, होनी चाहिए एंड अपॉन प्रोपल्जन फोर्स टू बैलेंस द ड्रैग ठीक है इसकी प्रोपोलजन जो फोर्सेज हैं ठीक है ये होनी चाहिए अकॉर्डिंगली टू बैलेंस द ड्रैग क्रूज मिसाइल को डिज़ाइन किया जाता है इस तरीके से जिससे ये लार्ज वॉर हेड मतलब लंबे लंबे डिस्टेंस को यह हाई एक्यूरेसी अच्छी स्पीड से काटते हुए चली जाए और जो मॉडर्न क्रूज़ मिसाइल्स हैं ये ट्रेवल कर सकती हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ ठीक है of, किन किस डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकती हैं तो सुपर सोनिक स्पीड से ठीक है या आ, सब सोनिक स्पीड से सेल्फ नेविगेटिंग होती है एज आई टोल्ड यू ठीक है कि ये नॉन बैलिस्टिक ठीक है पैटर्न पे चलती हैं मतलब इनका जो ऑल्टीट्यूड होता है ना ठीक है ये आ, एक बहुत लो ऑल्टीट्यूड ट्राजेक्ट्री होती है कहने का मतलब ये है कि आ, जैसे जैसे लोग ट्रेस करते हैं ना मिसाइल को अब जैसे मान लो कि अगर इंडिया के टेरिटरी में कोई मिसाइल आ रही होगी तो हम हम ट्रेस कर लेंगे हमको पता चल जाएगा कि भैया मिसाइल आ रही है हम ये फटाफट से मिसाइल छोड़ देंगे और वहीं एयर में ही ठीक है दोनों मिसाइल्स अपना क्लैश करके ओवर हो जाएगा थ्रेट नहीं आएगा फिर हमारी कंट्री पे तो वही वाली बात है कि जो क्रूज़ मिसाइल होती है काफ़ी हद तक ना इसको ऐसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है ठीक है बैलिस्टिक मिसाइल को काफ़ी हद तक ट्रैक कर लिया जाता है तो ये जो है ये डिस्टिंक्ट होती हैं अलग होती हैं फ्रॉम अन एरियल व्हीकल्स इन दैट वे दे आर यूज ओनली एज वेपन्स एंड नॉट फॉर यू इन क्रूज मिसाइल्स द वॉर हैड इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द व्हीकल एंड व्हीकल इज़ ऑलवेज सेक्रीफाइज इन द मिशन अब जो क्रूज़ मिसाइल है वो उसको सिंपल मिसाइल मिसाइल नहीं छोड़ा जाता उसके साथ में एक छोटा सा कुछ लग के जाता है ठीक है और जो भी आपका व्हीकल जो उसके साथ लग के जाता है ठीक है वो भी अपना कुर्बान हो जाता है ठीक है मिसाइल के साथ ही और ये जो है आपका इसको काफ़ी हद तक वेपन के तौर पे ही यूज़ करते हैं ठीक है तोड़ फोड़ के लिए ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है एज अ वेपन ओके गाइडेड मिसाइल होता है ठीक है प्रोजेक्टाइल प्रोवाइडेड विद मींस फॉर ऑल्टरिंग इट्स डायरेक्ट

Uh, उसकी गाइडिंग मैकेनिज्म जो गाइडेंस मैकेनिज्म है उसमें हेल्प करते हैं ठीक है सेंसर्स ऑल फिट होते हैं जिससे जो मिसाइल है वो अपना टारगेट को लाइक uh, टारगेट like, को ढूंढ पाती है जैसे कि कुछ कुछ ऐसी मिसाइल हैं जिसमें हीट सीकिंग इंजन लगा है ठीक है तो भैया वो हीट के चलते तो भैया अब वो हीट के चलते ही वो उसको फर्दर आगे वो कर लेगी ठीक है तो ऐसे करके है जैसे आपका इनफर्ड सेंसर्स लगे होते हैं ठीक है जो अलाउ दैम टू होम इन ऑन द एग्जॉस्ट ऑफ जेट इंजन रही है ये यार तो बेसिक देखो जितना इसमें गिवन है ना इतना लंबा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा तो दे विल आस्क जस्ट द बेसिक थिंग ठीक है इतना लंबा लंबा नहीं तो बेसिक दो चार पॉइंट्स क्लियर हैं तो आंसर क्लियर है मैच द फॉलोइंग बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है दे ट्रैवल एंड हाई अट्रेजेक्ट्री मोटर बर्नज आउट पार्शली थ्रू द फ्लाइट ठीक है आधा तो इनका चलते चलते ही आधे तो बर्न आउट हो जाते हैं इनकी मोटर तो आधी ही बर्न आउट हो जाती है ठीक है और आपका जो मीडियम रेंज मिसाइल हैं ठीक है एम आर बी एम इनकी रेंज है बिटवीन थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है एल आर बी एम इनकी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स टू फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स फिर आ जाएगी आपकी इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो आई सी बी एम ठीक है रेंज ग्रेटर होती है इनकी फ़ाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स से फिर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल तो अभी तक तो ये सारी हवा हवा में है ठीक है लेकिन अब नीचे पानी से ही लॉन्च हो जाएगी आपकी सबमरीन वाली ठीक है एस एल बी एम तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है जो सबमरीन से लॉन्च हो जाती हैं और इनकी इंटर कॉन्टीनेंटल रेंज होती है फिर आपकी क्रूज़ मिसाइल्स हैं क्रूज़ मिसाइल का तो पता ही है ठीक है मोटर बर्नज ड्यूरिंग द इंटायर फ्लाइट टिपिकल रेंज इनकी होती है टू तो थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स नाटिकल माइल्स में कहें तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाटिकल माइल्स तो दिस वॉज़ अबाउट गनरी पार्ट अब हम आ जाते हैं ए एस डब्ल्यू पार्ट में एंटी समरीन वॉरफेयर तो सोनार सबसे पहले सोनार बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है सोनार को मिस करके मत जाना इजी भी है सोनार करके जाना अ सिस्टम फॉर डिटेक्शन ऑफ समर्ज ऑब्जेक्ट यूजिंग साउंड पलसेज ये तो हम एट्थ क्लास से पढ़ते आए हैं इस सोनार क्या होता है बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे समर्ज ऑब्जेक्ट जो हैं जो डूबे हुए ऑब्जेक्ट हैं ठीक है ठीके? उनको साउंड की पल्स मतलब साउंड की वेव्स डाली जाती हैं ठीक है ठीके? वो नीचे से टकरा के वापस ऊपर आती हैं और एक डिटेक्टर लगा होता है उस डिटेक्टर से हम उसको आराम से डिटेक्ट कर पाते हैं और एक अंडर वाटर टारगेट को लोकेट कर पाते हैं देख पाते हैं कि क्या है तो आ, सबसे पहला कंपोनेंट ऑफ सोनार देखो के ना सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है चाहे वो कंपोनेंट हो चाहे वो फर्दर ये हो टाइप्स ऑफ सोनार हो चाहे वो क्लासिफिकेशन हो चाहे वो मोड्स हो चाहे वो वेरिएबल डेप्थ हो और मिसलेनियस भी हो तो सोनार तो अच्छे से कर लेना कंपोनेंट ऑफ सोनार ट्रांसड्यूसर ट्रांसमिट या रिसीवर स्विच ठीक है तो ट्रांसड्यूसर जहाँ से भैया रेस जाएंगी ट्रांसमिट जो रिसीव receive करेगा रिसीवर स्विच ठीक है ट्रांसमिटर रिसीवर डिस्प्ले डिस्प्ले आपकी स्क्रीन हो गई जहाँ पे वो देखेंगे हेडफोन जहाँ से वो सुनेंगे टाइप ऑफ सोनार तो सोनार पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है फॉर साउंड एनर्जी रिसेप्शन प्रोसेसिंग ठीक है रिटर्निंग ऑफ साउंड एनर्जी सोनार को ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं पहला इसका क्लासिफिकेशन है स्टेप सर्च सोनार जहाँ पे अंडर वाटर ठीक है मतलब पूरा अंडर वाटर को एक लिमिटेड स्टेप्स में ठीक है मतलब एक स्टेप की तरह बांट के उसको ढूंढा जाता है ठीक है एक लाइट सिस्टम की तरह अगला है पैनारोमिक सोनार। इसमें एक रिपल बीम्स जैसे आपने देखा होगा कभी आप पत्थर पानी में फेंकते हो तो क्या होता है एक गोल 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 एक रिपल्स बन जाते हैं है ना पत्थर बीच में जाता है और गोल 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 आसपास खूब सारे सर्कल्स बन जाते हैं तो ऐसे करके वो रिपल बीम्स में उसको खोजता है 360 डिग्री में सर्कल्स में अगला है कन्वर्जेंस जोन सोनार तो ये सोनार जो हैं ये कन्वर्जेंट जोन्स यूज़ करते हैं ठीक है जो एग्जिस्ट करता है पानी में कन्वर्जेंस आपने देखा होगा जब भी आ, हमने वो पढ़ा था आपको याद है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर्स या लेंस तो डाइवर्जेंट होता है खुला हुआ ट्राइंगल वी शेप का है ना और कन्वर्ज होता है ए शेप का कि आपका मिलते मिलते एक पॉइंट पे आ जाता है तो कन्वर्ज वही होता है कि ऊपर से वो लाते हैं और एक पॉइंट पे टारगेट करते हैं तो वो आपका होता है कन्वर्जेंट फिर है आपका बॉटम बाउंस सोनार ठीक है ये बॉटम बाउंस सोनार को कंडीशन किया जाता है इन सर्टेन वेज ठीक है डिपेंडिंग ऑन द सी वाटर फिर है आपका टोड आ ये आपके छोटे लीनियर आ होते हैं जिनको शिप के पीछे मतलब ये जो सोनार है ये शिप के पीछे से लगा दिया जाएगा और वहाँ से ही अपना ऑपरेट करेगा टोड आरेज पीछे से मतलब जाते जाएंगे और ये रिसीव करेगा नॉइज़ जो भी है रेडिएट किया जा रहा है बाय शिप एंड साममरीन ये लो फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करते हैं और लॉन्ग रेंज डिटेक्शन टारगेट्स को अचीव uh, करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोनार दो टाइप के क्लासिफिकेशन है हल माउंटेड और वेरिएबल डेप्थ सोनार हल माउंटेड सोनार है ये कैसा सोनार है इसके अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है और ये एक बड़े से डोम डोम मतलब एक बड़ा सा एक uh, गोल सा सर्कल uh, जैसा उसके अंदर ये बंद होता है और फिर इसको क्या करते हैं इसको नीचे को लोअर कर दिया जाता है पानी के अंदर इसको डुबा दिया जाता है और कॉन्स्टेंट डेप्थ में ठीक है जहाँ पे भैया कंटिन्यू पानी में ही हो ऐसा ना हो कि हवा आ रही है ऊपर नीचे ठीक है जहाँ पे कंटिन्यू पानी में ही हो ठीक है और उसके बाद फिर ये अपना ऑपरेट करता है फिर वेरिएबल डेप्थ सुनार होता है ठीक है इसको अलग अलग तरीके से इसको नीचे करा जाता है ठीक है अलग अलग हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन अलग अलग पानी की कंडीशन में तो टोड आ ठीक है डंकिंग सोनार सोनो बॉयज तो कहने का मतलब यह है कि हल माउंटेड हो गया वेरिएबल डेप्थ हो गया वेरिएबल डेप्थ के अंदर भी तीन टाइप के हो गए तो टो डायरे डंकिंग सोनार और सोनो बॉयज अगला है मोड ऑफ सोनार तो एक्टिव और पैसिव एक्टिव सोनार वो हो गए जिसमें एक्को रेंजिंग प्रिंसिपल जिसका जो आवाज़ जो जाती है ठीक है जो नॉइज़ जाता है ठीक है वो आपका जाता है और वापस आता है ठीक है और नॉर्मल बेसिकली जैसे नॉर्मल हम सोनार को इमेजिन करते हैं वो पैसव सोनार होता है ठीक है कि जिसमें हम कोई एनर्जी नहीं डालते हैं कोई नॉइज़ पुट नहीं करते हैं उसके अंदर लेकिन जो शिप और सबमरीन्स का जो शोर होता है उसको सुना जाता है हाँ, अगला आते हैं मिसलिनियस सेंसर्स पे तो बॉयज ठीक है इसमें क्या होता है आपका अंडर वाटर डिटेक्शन वही ठीक है वही पढ़ रहे हैं हम ठीक है कि अंडर वाटर कैसे डिटेक्ट किया जाता है स्मॉलर uh, सोनार होते हैं जिसको एयरक्राफ्ट के थ्रू ऊपर जो प्लेन व्लेन होते हैं हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनके थ्रू पानी में छोड़ दिया जाता है जो आपका सबमरीन डिटेक्ट करती है और सोनार uh, जो है ठीक है ये uh, बेसिकली ये इंफॉर्मेशन ये, uh, देते हैं रेडियो के थ्रू तो ये एक्टिव पैसिव कोई भी हो सकते हैं पैसिव सोनार्स जो होते हैं या जो पैसिव बॉयज़ होते हैं ठीक है पैसिव सोना बॉयज़ उनके पास ये एडवांटेज होती हैं कि वो अपनी जो प्रेजेंस है ठीक है मतलब वो अपने आप को छुपा पाते हैं समरीन से मतलब समरीन उनको डिटेक्ट नहीं कर पाती है मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन एम ये एक माइन्यूट uh, चेंज ठीक है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है कोई सबमरीन की प्रेजेंस से बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अब मान लो कि हमको ढूंढना है कि यार कोई सबमरीन तो नहीं है यहाँ पे आसपास तो वो ढूंढने के लिए यूजुअली एमएडी का यूज़ होता है ताकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके थ्रू हम लोग ये देख पाएँ कि, कि मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर पाएं क्योंकि यार अगर सबमरीन होगी पानी में तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड अलग तरीके की होगी और अगर वहाँ पे नॉर्मल पानी पानी होगा सबमरीन नहीं होगी तो अलग तरीके की होगी तो इससे आ, इससे मतलब वो मिल जाती है इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द सबमरीन्स एंड ऑल अगला है एग्जॉस्ट ट्रेल इंडिकेटर डिटेक्ट करता है डीजल फ्यूम्स को देयर बाय इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ अ डीजल पावर सबमरीन ठीक है तो ये वाला आपका पर्टिकुलरली डीजल पावर सबमरीन बताता है तो आजकल इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि आजकल हम लोग कौन सी सबमरीन की यूज़ यूज करते हैं ज़्यादातर डीजल केवर नहीं करते आजकल हम ज्यादा यूज आजकल हमारी दूसरी चलती है सबमरीन बताओ नीचे कौन सी चलती है अगला है वेपन Uh, ये भी है यार इंपॉर्टेंट है ठीक है ये तो हमारे सर्विस में बहुत उसमें हाईलाइटेड है तो सबसे पहला है टॉरपेडो ठीक है यहाँ पे टॉरपेडो के नाम मेंशन है इनको पढ़ लो एक बार ठीक है ए टू फोर फोर एस सी ई टी फाइव थ्री एम सी ई टी फाइव थ्री सिक्स फाइव के ई राइट तो ये सारा यहाँ पे मेंशनड है इसे पढ़ लो टॉरपेडो रॉकेट्स डेप्थ चार्जेस माइन्स प्लेब और ए पी आर तो इसमें रॉकेट हैं और टॉर्पेडोज़ हैं दोनों में डिफरेंस होता है लगते सेम हैं ठीक है ठीके? बट डिफरेंस होता है अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो आई टेल यू और डेप्थ चार्ज होते हैं यूजुअली डराने के लिए होता है ठीक है आज सच कोई हार्म नहीं करता पानी में बस एक एक्सप्लोजन हलचल मचा देता है फिर है आपका टाइप ऑफ अटैक तो अंडर वाटर सेबोट्रो कैन यूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टू कैरी आउट अच्छा ठीक है तो अब ये बोलना चाह रहे हैं कि जो शिप्स हैं हार्बर में मतलब कैसे यूजली अटैक्स होते हैं तो ये भी आप पढ़ लेना ज़रूर ठीक है तो मेनली फोर टाइप के अटैक्स होते हैं मिड जेट अटैक चैरियट अटैक स्विमर अटैक ड्रिफ्टिंग चार्जेस स्विमर अटैक एक स्विमर नहीं है ठीक है जस्ट अ नेम ऑफ अटैक फाइन चौथा है ड्रिफ्टिंग चार्जेस अगला है आपका लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म अच्छा गिवन है चलो ठीक है पढ़ते हैं एक ऐसा वेसल फ्रॉम विच अ वेपन इज़ फायर्ड इज़ नोन एज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तो जैसे हम पढ़ते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि कोई भी हेलीकॉप्टर या उसको लैंड करने के लिए एक सरफेस चाहिए होता है तो उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया गया तो वैसे ही जो भी टॉर्पिडो है रॉकेट है या कोई भी ये चीज़ें हैं तो उनको लॉन्च करने के लिए भी एक प्रॉपर लॉन्चर चाहिए होगा तो ये लॉन्चर भी आपका अलग अलग वेपन्स के लिए आज फॉलोज हैं पहला है आपका टॉर्पेडो टॉर्पेडो को हम लोग एक शिप समरीन या एयरक्राफ्ट कहीं से भी फायर कर सकते हैं डिपेंड करता है कि यह समरीन क्या है डेप्थ कैसी है और वाटर लाइन क्या है ऑफ अ टारगेटेड शिप कि कितना दूर शिप है क्या है तो उसके हिसाब से टॉरपेडो को उठाया जाएगा टॉर्पेडो के अंदर ये पावर होती है कि अपने आप को करेक्ट कर सकता है इट्स सेल्फ एट द रनिंग डेप्थ फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेज ड्यूरिंग इट्स रन कहने का मतलब होता है ये काफ़ी हद तक गाइडेड होता है आप उसको थोड़ा थोड़ा गाइडेड की तरह मान सकते हो गाइडेड मिसाइल की तरह और लेकिन जो रॉकेट होता है इसका एक अपना खुद का प्रोपेलेंट होता है और जो इसके पास सेट होता है जैसे अगर इसका 500 तक का सेट है तो भैया ये 500 में जाके फट जाएगा अब वहाँ पे इसको शिप मिले ना मिले 500 में जहाँ सेट करेंगे वहाँ जाके ये फट जाएगा जो रेंज है रेंज इसको अचीव की जाती है बाय द एंगल ऑफ लॉन्चर जहाँ पे लॉन्चर है जहाँ पे जो उसका एंगल बनाया जाएगा लॉन्चर का तो वहाँ तो पर ये अपना जाएगा उस एंगल से होता हुआ जाएगा और यूजुअली फोर्टी फाइव डिग्रीज एलिवेशन होता है लॉन्चर का रॉकेट को वो करते लॉन्च करते समय रॉकेट uh, तो पहले से चला आ रहा था टॉर्पेडो इज ए न्यू अचीवमेंट या मेकिंग ठीक है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी डेप चार्जेस आपके डेप्थ बॉम्ब होते हैं ठीक है ये डेटरेंस के तौर पे यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट द समरीन ठीक है और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के तौर पे फटते हैं हाइड्रोस्टाटिक मतलब क्या हाइड्रो मतलब पानी ठीक है तो कहने का मतलब ये होते हैं ये डेप्थ बॉम्ब जैसे होते हैं जैसे कि हम जैसे इसको फेंकेंगे जैसे ये पानी का टच में आएगा तो ये हल्का फट करके फट जाता है तो क्या होगा पानी में नीचे हलचल हो जाती है तो अगर कोई सबमरीन होती है या कुछ होता है तो वो थोड़ा मतलब उसके आसपास हिल जाएगी ना सबमरीन पूरी तो वो बेसिकली डेटरेंस के तौर पे यूज़ होता है कि भैया हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं यहाँ पे मत आओ ठीक है या एक कुछ स्पेसिफ़िक सिग्नल देने के लिए ठीक है तो डेटरेंस के तौर पे यूज़ होता है ये अगला है सोनार एंड वेपन ऑफ इंडियन नेवल शिप तो अब यहाँ पे बता रखा है कि कौन से कौन से सोनार हैं और कौन से कौन से वेपन हैं जो आपके अलग अलग इंडियन नेवी की शिप्स में लगते हैं ठीक है ठीके? ये आप एक बार पढ़ लो और uh, मुझे तो नहीं लगता कि ये ऐसे पूछेंगे आपसे ठीक है कि uh, टिपिकली एक पूछा जाएगा कि uh, uh, क्या बोलते हैं द ब्लैंक्स का मार्क बना के ठीक है तो आप ऐसे पढ़ सकते हो उसको कि एयरक्राफ्ट के कैरियर में से एक याद कर लो है ना राजपूत क्लास में से कोई एक या दो याद कर लो जो आपको ईजी लग रहे हैं याद करने के लिए क्योंकि मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे वो पूछ सकते हैं कि नेम सोनार विच इज़ फिटेड ऑन द शिवालिक क्लास तो वो आप एक लिख सकते हो क्योंकि इतना इतना याद करना तो आई डोंट थिंक दैट इज़ ओके फ्रॉम एनी एंगल चलो हमारा ए एस डब्ल्यू ओवर हुआ और अब हम लोग आ जाते हैं अपना नेवल एविएशन पे तो रोल ऑफ नेवी नेवल एविएशन इंडक्शन ऑफ एयर एलिमेंट इन नेवल वॉरफेयर हैव इन्हांस द तो रीच ऑफ फोर्सेस टू थ्रेट अ लॉन्गर इवेंस ओके 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 तो इसमें कुछ भी नहीं है इसमें ये बोल रहे हैं कि देखो अभी तक हम लोगों ने गनरी पढ़ी ठीक है कि नॉर्मल गन्स वंस का क्या सीन है अगला हमने पढ़ा एंटी सबमरीन ठीक है मतलब पानी के अंडर का ठीक है कि पानी के अंडर हम कैसे करते हैं अब हम ये देखेंगे कि इंडियन नेवी में जो एयर का रोल है ठीक है तो कि एयर में कि एयर में भी क्या रोल प्ले करती है इंडियन नेवी और करती है तो कैसे करती है क्या करती है तो ये वाला है इसमें हिसाब किताब तो सबसे पहला है कि भैया टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट पढ़ लेना एयरक्राफ्ट तो पूछ लिए जाते हैं राइट फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट और अनमैंड एरियल व्हीकल और इसमें भी जैसे डोर्नियर सी सी हैरियर किरण ठीक है ये तो यार हमने खुद ही याद करे थे एम आई जी ट्वेंटी नाइन के हमें तो बहुत रोते रोते पेपर दिया था बट स्टिल <laughs> हमारे सीनियर्स ने हमको डांट डांट के याद कराया था बट तो यार ये तो आप लोग कर लेना एंड रोटेटरी विंग अच्छा वेट लेट्स कम फ्रॉम द स्टार्ट तीन टाइप के आपके एयरक्राफ्ट होते हैं नेवी में पहला है आपका फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट इसमें लॉन्ग और मीडियम रेंज के एयरक्राफ्ट होते हैं ये आपके पेट्रोल एयरक्राफ्ट होंगे फाइटर और ट्रेनर ट्रेन करने के लिए ठीक है लड़ने के लिए भी यूज़ कर लेंगे और पेट्रोलिंग के लिए भी यूज़ होंगे रोटेटरी एयरक्राफ्ट बेसिकली सरफेस शिप्स होती हैं आ, ये इंक्लूड करते हैं आपके सी किंग ठीक है जो आपका एंटी शिप एंटी सरफेस और कमांडो ड्रॉप है कमोव uh, चेतक ठीक है ये भी वी हैव लॉन्टेड राइट कमोव हो गया आपका एंटी समबरीन इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए ठीक है और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए चेतक ठीक है आप जैसे ये भी आ सकता है कि सर्च एंड रेस्क्यू के लिए बता दो तो आपको एक स्पेसिफिक आपके पास नाम होगा फिर है आपका अनमान्ड एरियल व्हीकल ये जो है ये पायलटलेस एयरक्राफ्ट है बेसिकली इसको बेस से कंट्रोल किया जाता है इसमें कोई पायलट नहीं बैठता जो बेस है वहाँ से इन्हें कंट्रोल किया जाता है इस सर्वेलेंस के लिए होते हैं इसमें सर्चल है सर्चर एंड हेरोन तो अगले है हमारा सबमरीन डेप्थ कीपिंग मैकेनिज्म क्या है तो ये मैकेनिज्म ऐसा है जिसमें टॉर्पिडो रन कर सकते हैं एज कांस्टेंट प्री डिटरमाइंड डेप्थ तो डेप्थ कीपिंग मैकेनिज़्म वही है कि कॉन्स्टेंट अपनी गहराइयों में जा सकते हैं सबमरीन को पोटेंट वेपन क्यों कहा जाता है विद हाई डिग्री ऑफ सरप्राइज सरप्राइज़ एंड स्टील्थ ये भैया एक डेडलीस्ट क्राफ्ट है ठीक है भैया एक बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा ठीक है चीज़ है जिसको इन्वेंट करा है मैन ने क्योंकि अटैक कर सकता है बहुत सरप्राइज़ के साथ और शिप्स को भी काफ़ी साइलेंटली अटैक कर सकते हैं कि भैया पानी के नीचे से आ रहा है शिप्स अपना मस्त ऊपर सेल कर रही हैं है ना पानी के अंदर सबमर्ज तरीके से तो लिस्ट द टाइप्स ऑफ वेपन यूज्ड बाय सबमरीन्स टॉर्पेडोज शोल्डर मिसाइल और माइंस टॉरपेडोज आई हैव टोल्ड यू शोल्डर मिसाइल्स होती हैं जिनको शोल्डर से फायर किया जाता है ठीक है जब सबमरीन आपकी पेरिस्कोप डेप्थ पे होती है तो आपने देखा होगा शोल्डर पर रख के भी फायर करते हैं तो वो वाला शोल्डर मिसाइल हो गई माइन्स होती हैं जिसको शिप्स ले कर देती हैं पानी में सबमरीन और एयरक्राफ्ट और इसको यूज़ किया जाता है सबमरीन और एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट ठीक है ताकि उनको प्रिवेंट कर सकें उस एरिया में आने से जहाँ पे जिस एरिया में माइन बिछाई हुई है शॉर्ट नोट लिखो सबमरीन पे तो डेडलीस्ट क्राफ्ट है ठीक है सरप्राइज के साथ अटैक कर सकता है कोई भी शिप को साइलेंटली ठीक है पानी में डूब के अपना अटैक कर सकता है सबमरीन आपकी न्यूक्लियर होती हैं ठीक है प्रोपेल्ड होती है न्यूक्लियरली प्रोपेल्ड होती है या कन्वेंशनल होती हैं मॉडर्न सबमरीन को पेंट किया जाता है विद रबर कोटेड पेंट्स ठीक है ताकि वो रेडार के थ्रू भी डिटेक्ट ना हो पाएँ नेम एनी टू समरीन तो आई एन एस सिंधु घोष सिंधु राज सिंधु केसरी आई एन एस तो ये तो आई गेस ज़्यादातर हमारा डीजल इलेक्ट्रिक समरीन्स हैं ये वाली चलो फिर है आपका आ, टाइप ऑफ प्रोपल्शन यूज इन समरीन तो दो टाइप का है एक है आपका डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जो कि कन्वेक्शनल है अगला है आपका न्यूक्लियर प्रोपल्शन जो कि आपका न्यूक्लियर है इन नेचर वैसे मैंने काफ़ी हद तक आंसर दे ही दिया जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन अभी ऊपर हाउ डज दिन डाई वंडर वाटर पम् पम्पिंग इन एंड आउट

और मेथड uh, में क्या है जो जब वो पानी के अंदर जाता है तो उसको बेलास्टिंग कहते हैं और जब वो वहाँ से बाहर आता है तो उसको डी बेलास्टिंग कहते हैं तो ये दो मेथड यूज़ करके वो अंदर और बाहर जाता है इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है बस दो मेथड का नाम याद कर लेना डिफाइन सोनार सोनार का इट्स स्टैंड फॉर सोनार रेडार इनकी भी फुल फॉर्म आ जाती हैं सोनार है आपका साउंड ऑपरेटेड नाविगेशन एंड रेंजिंग इसके पास ट्रांसड्यूसर है जो ट्रांसमिट करता है रिसीव करता है ट्रांस साउंड वेव ये जो साउंड ट्रांसमिट ट्रांसमिट करता है ये ट्रैवल करती हैं अंडर वाटर इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स जब ये वेव्स आपकी वापस आती हैं या ये किसी किसी भी ऑब्जेक्ट पे टच करती हैं ठीक है थीके? तो एक एको होती है मतलब एक गूंज गुझ जैसी गूंजती है एक जिसको ट्रांसड्यूसर वो कर लेता है कैच कर लेता है और हेडफोन्स में भेज देता है और उसके बाद जितना टाइम लगता है उसको ठीक है ऊपर आने में वापस Uh, तो उससे रेंज निकाल देते हैं कि ये कितना दूर है हमसे फिर है बायसी एंड फ्लोटेशन एक सबमरीन कंसिस्ट करती है ऑफ अ ट्यूबलर हल कॉल्ड प्रेशर हल तो इन ऑर्डर टू फ्लोट एंड स्टेबलाइज दिस ह्यूज मेटल स्ट्रक्चर सबमरीन को फिट किया जाता है विद द मेन ब्लास्ट टैंक्स अच्छा दे जाए एक्सटर्नल प्रेशर हल एंड द सरफेस आर फुल ऑफ एयर मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि वी विल डू पी एच डी इन दिस होपफुली तो वी वी आर स्टार्टिंग इट फॉर द सी एन बी सर्टिफिकेट्स ओके तो अब ये बोल रहा है कि जो सबमरीन है इसमें एक टैब्युलर हल होता है ठीक है हल क्या है हमारा मेन बॉडी इसको हम बोलते हैं प्रेशर हल अब देखो जो शिप होती है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है क्योंकि उसका तो सिर्फ कील डूबती है पानी में ऊपर का सारा एयर के कॉन्टैक्ट में रहता है लेकिन जो सबमरीन है वो तो काफ़ी नीचे जाती है पानी के तो बेसिकली प्रेशर उसमें खूब रहता है फ्रॉम ऑल द साइड्स तो ये एक मेटल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए और फ़्लोट करने के लिए सबमरीन को फिट किया जाता है बैलेंस टैंक्स के साथ ठीक है तो ये प्रेशर हल को कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं और जब सरफेस पे होते हैं तो आ, ये पा, मतलब एयर से भर जाते हैं ठीक है ताकि सबमरीन को एक पॉजिटिव बाइन्सी दे दे फ्लोटेशन बेसिकली आ, दे दें और जब टैंक्स को सी में ले लिया जाता है तो छोटे छोटे सर्कुलर ओपनिंग्स होती हैं जो खुल जाती हैं ठीक है जिससे फ्लडिंग हो जाती है लाइक समरीन के अंदर ऐसे नहीं बट एक अलग तरीके से फ्लडिंग बुलाए ठीक है तो समरीन के अंदर डाइव करने के लिए जो मेन वेंट्स हैं मतलब बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं उन्हें खोल दी जाती हैं जिससे जो एयर है क्योंकि देखो अभी सरफेस में थी ठीक है तो उसमें एयर थोड़ा इन लेकर आए अब जब अंदर जाएगा तो एयर को एस्केप करने देंगे ठीक है सी वाटर से तो इससे भैया थोड़ा जो समरीन है वो बैलेंस हो जाती है इससे बायंस उसकी रिड्यूस हो जाती है और जो समरीन है वो डाइव कर पाती है पानी में तो डाइविंग स्टेशन्स में हर पाइप नंबर ऑफ मूविंग तो वाटर रूम द वाटर इज़ पम्प्ड फ्रॉम ए एफ टी टू फॉरवर्ड टू मेनटेन द ट्रिम ठीक है तो भैया वहाँ पर यार अलग अलग लोग होते हैं जिनको थोड़ा होता है तो उन्हें पता है कि भैया अब यहाँ से पानी मुझे बाहर निकालना है यहाँ से हमको पानी अब छोड़ना है जो भी करना है कि कैसे इसका Uh, वो रहता है बट एक मेन पानी uh, भरना और एयर का उसको अंदर लेना इससे ज़्यादातर ये मेनटेन रहती है टाइप ऑफ सबमरीन कन्वेक्शनल और न्यूक्लियर कन्वेक्शनल सामरीन आपका वही डीजल इलेक्ट्रिक कह लेते हैं हम इसको तो इसमें जो सबमरीन में एक सरफेस है जिसको स्नॉट कहते हैं है ना या जो डीजल इलेक्ट्रिक है इसको प्रोपेल किया जाता है uh, कैसे प्रोपेल किया जाता है लेकिन like, कैसे हाउ इट वर्क्स बेसिकली इसकी बैटरीज को चार्ज किया जाता है और जो इलेक्ट्रिक मोटर है ठीक है इसको यूज़ किया जाता है जब सबमरीन डाइव हो जाती है कन्वेक्सनल सबमरीन की एक यूजुअली डिस्प्लेसमेंट होती है फ़ाइव थाउजेंड टू सिक्स थाउजेंड टन अब आपकी आती है न्यूक्लियर सबमरीन ये आपकी पावर की जाती है बाय न्यूक्लियर रिएक्टर और इसलिए ये अंडर वाटर ज़्यादा टाइम तक रह पाती है ये केपेबल होती है फॉर हाई स्पीड दैन कन्वेक्शनल तो पहले वाला थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर सबमरीन आपकी नहीं आई है चलो आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन ठीक है जो मैंने ऊपर पूछा था है आंसर्ड द क्वेश्चन तो आई लास्क यू अ न्यू क्वेश्चन कि आप ये बताइए कि इंडियन नेवी में कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन प्रेजेंट हैं तो टेल दैट क्वेश्चन फिर है कि उनकी हाई स्पीड हो जाती है और दे यूजुअली कैरी इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजिक वेपन ठीक है लाइक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड तो जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन है इसकी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होती है दैन कन्वेक्शनल सबमरीन और ये मेंटेन कर पाते हैं एक अच्छी सबर्ज ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ ट्वेंटी नॉट्स ट्वेंटी नॉट्स में हम स्पीड मेजर करते हैं नहीं नहीं मत बोलने से कट कर देना स्पेशल पर्पज सामरीन कोस्ट और नॉट सामरीन तो सामरीन uh, के जनरली कैरेक्टरस्टिक सिमिलर होते हैं टू डोज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू यू बोट्स लेकिन इनका जनरली स्मॉल साइज होता है थ्री फिफ्टी टू सेवन हंड्रेड टनस विद लिमिटेड इंडियोरेंस मिड जेट मिड जेट आपकी स्मॉल सामरीन होती हैं छोटा क्रू कैरी करती है फाइव टू सिक्स मैन इन अ प्रेशर हल इनका इंडियोरेंस होता है सी पे फाइव टू सेवन डेज लेकिन फुल ऑपरेशन के एफिशेंसी के साथ ये फोर्टी एट आवर्स से ज़्यादा मेंटेन कर पाते हैं और इनका जो सबमर्ज इंड्योरेंस है ये लिमिटेड है पिगमीज़ uh, और चैरियट्स ये आपका फिर से स्मॉलर क्राफ्ट आ जाते हैं अब देखो वी ऑल नो कि अगर जब, सब, जब सब सब से जब सबसे पहले समरीन इन्वेंट uh, करने का विचार आया होगा मैनकाइंड के दिमाग में तो उससे पहले उन्होंने छोटा छोटा सबमरीन जैसा क्राफ्ट इन्वेंट किया होगा तो सबमरीन डायरेक्टली तो नहीं आ गई होगी तो उससे पहले अगर उससे छोटा वर्जन हम देखें तो वी कैन गेट दीज थ्री ठीक है तो इसको हम स्पेशल पर्पज़ सबमरीन भी कहते हैं क्योंकि अब तो वी जनरली यूज़ द नॉर्मल सब मरीन्स बट स्टिल कुछ स्पेशल ओकेजन स्पेशल पर्पस के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं स्मॉलर क्राफ्ट होते हैं विद आउट अ प्रेशर हल और इनको इलेक्ट्रिक मोटर से प्रोपेल किया जाता है और इनकी बैटरी को रिचार्ज करा जाता है फ्रॉम अ शोर मतलब शोर से ही uh, रिचार्ज किया जाएगा एक सबमरीन टेंडरशिप एडवांटेज क्या है सबमरीन की कन्वेक्शनल सबमरीन का ये है कि ऑपरेट कर सकती है इन शैलो वाटर कम पानी में भी चल सकती है डिफिकल्ट होती हैं डिटेक्ट करना क्योंकि ये साइज़ में छोटी होती हैं इकोनॉमिकली चीपर होती हैं सस्ती आती हैं इनका कोई रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता न्यूक्लियर सबमरीन लंबे टाइम तक पानी में टिक सकती हैं ज़्यादा स्पीड एक्यूरेसी होती है ज़्यादा टिकाऊ होता है इंडोरेंस ज़्यादा होता है ज़्यादा टाइम तक टिक सकती हैं डिसएडवाटेजेस क्या हैं कन्वेक्शनल सबमरीन के ये भी पूछ लिया जा सकता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लेस इंड्योरेंस है भैया लेस स्पीड है ठीक है सरफेस नहीं होता बैटरी चार्जिंग का तो भैया बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी तो कहाँ आएंगे शोर पे आएंगे क्लियर अच्छा तो कैन नॉट कैरी न्यूक्लियर वेपन विद वॉर हेड फिर है आपका न्यूक्लियर साममरीन ये इनके पास जो नॉइज़ है ठीक है शोर बहुत होता है एक्सपेंसिव है ठीक है छोटे यूनिट के तौर पे इनको यूज़ नहीं किया जा सकता और शैलो वाटर कम पानी में ही नहीं जल सकती रोल ऑफ साममरीन क्या है डेटरेंस टू एनिमी शिपिंग कोई एनिमी भैया हमको पता है तो उनके तौर पर डेटरेंस के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन इन सपोर्ट ऑफ स्मॉल यूनिट्स कार्गो कैरियंग सेवेंटी फाइन सेवेंटी स्ट्रेंथ रिकनसेंस इंक्लूडिंग फोटोग्राफी ऑफ एनिमी पोर्ट्स एंड सर्वे ऑफ बीचेस ठीक है वही है यार एनिमी पोर्ट्स और सर्वे ठीक है इनका जैसे आपने देखा होगा वो छोटे छोटे वो होता है ना कैमरे जैसे अगर उनको देखना होता है शोर पर तो वो छोटा लंबा सा वो बाहर निकालते हैं पाइप टाइप्स का और उसमें से दे कीप अ वॉच तो उससे भैया दे कैन कीप अ फोटोग्राफी वैसे अब तो देर आर अदर मेजर्स बट फिर भी वी कैन कीप दिस एज अ मेजर माइंड लिंग माइंड ले करने के लिए और लॉन्चिंग स्ट्रैटेजिक मिसाइल स्ट्रैटेजिक में यूजुअली दो पेरिस्कोप होते हैं हां जो मैं अभी वो बोल रही थी लंबा सा पाइप उसको पेरिस्कोप बोलते हैं आई जस्ट फॉर गॉट द नेम लाजो वन इज यूज फॉर रिकनसाइन एंड एरियल सर्च वही सर्च पर्पज के लिए स्मॉलर को हम यूज कर सकते हैं विजुअल कंफर्मेशन के लिए ऑफ अ टारगेट प्रायर टॉर्पेडो लॉन्च ठीक है अब थोड़ा देखना पड़ेगा सीधा टॉर्पेडो लॉन्च नहीं कर सकते हैं पेरेस्कोप को यूज़ कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए भी डिटेक्शन के लिए भी अगर एक टारगेट है ठीक है जो हमको पता है अप्रॉक्सीमेट बियरिंग इज़ नोन अ चेक ऑब्जर्वेशन कैन बी मेड इन फ्यू सेकेंड्स केयरफुल एग्जामिनेशन के लिए हराइजन पे क्लियर ए समरीन कैन साइट अ कॉन्वे एट द रेंज ऑफ टेन माइल्स एस्कॉटिंग शिप अबाउट अच्छा तो बेसिकली कुछ नहीं है पेरस्कोप का सीन इतना है कि दो टाइप के होते हैं एक बड़ा पेरिस्कोप एक थोड़ा छोटा पेरिस्कोप पेरिस्कोप का अल्टीमेट सीन ही यही है कि थोड़ा ये देखने के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं एरियल सर्च के लिए ठीक है कहीं टॉर्पिटो छोड़ना है उसके लिए कन्फर्मेशन के लिए हॉराज़न पर नज़र के लिए क्लियर डे पे सब मरीन अप्रॉक्सीमेटली टेन माइल्स तक का दूरी देख सकती है और एटलीस्ट दस सेवन माइल्स तक की शिप्स को भी स्कॉट कर सकती हैं और एयरक्राफ्ट पे भी ध्यान रख सकती हैं एट एट टू नाइन माइल्स अच्छा खासा है रेडार काफ़ी सारे समरीन्स में रेडार होता है और दोनों को यूज़ किया जा सकता है समर्ज एट पेरिस्कोप डेप्थ Uh, कुछ सब में फायर कंट्रोल रडार है उसमें एंटीना फिटड है सर्च uh, करने के लिए पेरिस्कोप पे तो जो रेंज है डिटेक्शन का बाय सोफेस सर्च रेडार ठीक है ये लिमिटेड हो जाता है क्योंकि उसकी हाइट कम हो जाती है डाउन द सी लेवल सोनार काफ़ी सबमरीन में सोनार्स भी फिटेड होते हैं एरे टाइप ऑफ सोनार अभी जो पढ़ा था उसमें से एरे टाइप इसमें फ़िट होता है और प्रोवाइड करता है ये एक पैसिव मेथड ऑफ लॉन्ग रेंज डिटेक्शन ऑफ नॉइज तो अंडर आइडियल कंडीशन भी जो रेंज है वो आपका फिफ्टीन टू 30 नॉटिकल माइल्स तक जाती है वायरलेस या ई डब्लू uh, तो इसमें समरीन में भी ये फिट किया जाता है सूटेबल uh, कम्युनिकेशन के लिए सरफेस शिप और बेस uh, पे समरीन जो है ये रिसीव करती है वी एल एफ़ ट्रांसमिशन लो फ्रीक्वेंसी पे थर्टी फीट्स बिलो द सरफेस और थ्री थाउजेंड नोटिकल माइल्स ऑफ ट्रांसमिटिंग स्टेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली थ्री थाउजेंड नोटिकल माइल्स दूर रहकर भी दे कैन मतलब दे जस्ट गेट ऑल दो सिग्नल्स ही थर्मोग्राफ सब मरीन को प्रोवाइड किया जाता है विद साउंड वेलोसिटी रिकॉर्डर टू असेस द एस्टिमेटेड सोनार रेंज शैडो जोन्स एंड बेस्ट ऑपरेटिंग डेप्थ फाइन अ वेपन ऑफ सबमरीन वी हैव स्टार्टिड ठीक है टॉर्पिडोज़ आई हैव टोल्ड यू अबाउट टॉर्पिडोज़ ठीक है एक्टिव पैसिव अब ऐसा तो नहीं है कि टॉर्पिडो है तो एक टाइप का टॉर्पिडो तो होगा अलग अलग टाइप के होंगे एक्टिव पैसि वायर वाले गाइडेड टॉर्पिडोज ठीक है फिर एक्टिव पैसिव ठीक है वायर और वेकिंग होमिंग टॉर्पेडो ये सब चीज़ें सब टाइप के टॉरपेडो कैरी कर सकती है आपके सबमरीन फिर या ऑयल टाइप भी कैरी कर सकती हो फिर है आपका मिसाइल एंड माइन ये भी कैरी करती है सोना सोर्सेज टू तो डिटेक्ट एनिमी सबमरीन एट सी एनिमी सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए सोर्सेज सोनार एडार ई डब्ल्यू इंटरसेप्शन अभी देखा एयरक्राफ्ट अभी बताया विजुअल आउटलेक पेरिस्कोप वाला ठीक है फिर है आपका विजुअल साइटिंग ऑफ समरीन ऑफ पेरिस्कोप वही ठीक है दोनों लाइक पेरिस्कोप इंडियोरेंस ऑफ समरीन ठीक है ये डिपेंड करता है फ्यूल कितना है डिस्टेंस कितना है बेस टाइम पे वेदर कंडीशन और स्नॉटिंग टाइम टाइम ऑन सरफेस टाइम ऑन डॉक और स्पीड ठीक है तो और कभी उसको तेज चलाना है तो उससे उसकी स्पीड ऑब्वियसली जल्दी जाएगी तो इसमें जनरल क्वेश्चंस होंगे नेवी से रिलेटेड एंड ऑल द टॉपिक्स जैसे हमारे जितने भी सेगमेंट्स हैं गनरी है सर्च एंड रेस्क्यू है नेवल ओरिएंटेशन है सबसे क्वेश्चंस रहेंगे तो इसको हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला है आपका फिलंदा ब्लैंक्स बिगेस्ट लोकल फ्लॉटेला आपका मुंबई में बेस्ड है स्क्वाड्रन लीडर की रैंक आपका मेजर के इक्वेलेंट है आर्मी में आई एन एस शिखरा मुंबई में लोकेटेड है जो रियर एडमिरल की व्हीकल है उनकी जो प्लेट है प्लेट पर जो स्टार्स लगे होते हैं वो टू स्टार्स लगे होते हैं क्योंकि वो सेकेंड नंबर के फ्लैग ऑफिसर है एक एन ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ रियर एडमिरल कमांड्स द वेस्टर्न फ्लीट वेस्टर्न फ्लीट जो है ठीक है उनको रियर एडमिरल रैंक के कमांड अगला है राइट द एब्रीविएशन एनएसडी नेवल स्टोर डिपो पी एफ आर प्रेजिडेंट फ्लीट रिव्यू सीओएम एम चीफ ऑफ मटीरियल एफ ओ एस एम फ्लैग ऑफिसर सबमरीन अगला है ट्रू एंड फॉल्स तो द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आई एन एस आई एन एस विक्रमादित्य को कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में इन द ईयर नवंबर 2013 तो ये एकदम ट्रू है बिगेस्ट एविएशन बेस ऑफ आई एन एस नेवी इज़ आई एन एस गोम गलत इसमें तो आई एन एस क्या ही गलत है एविएशन बेस कहा है आई एन एस सुभद्रा इज़ अ कैडिट ट्रेनिंग शिप गलत है दरबी मिसाइल इज़ द मेन वेपन यूज बाई एयरक्राफ्ट सी हरियर ट्रू है नॉटिकल टर्म्स है ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स तो कंपार्टमेंट अ शिप जो कंपार्टमेंट जिस कंपार्टमेंट से जो शिप है वो कंट्रोल होता है उसको ब्रिज बोलते हैं वर्टिकल पार्टीशन ठीक है शिप स्ट्रक्चर पे या जो वॉल से मतलब वर्टिकली जो पार्टीशन कर देते हैं उसको बल्क हेड कहते हैं जो किचन है ऑनबोर्ड शिप उसको शिप की गैली बोलते हैं टर्बेलेंस जो व्हीकल को एक हिला देती है ठीक है उसको बोला जाता है वेक नेवल वॉरफेयर से क्वेश्चन है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स अनमैंड एरियल व्हीकल यू ए वी पायलटलेस एयरक्राफ्ट हैं जिनको बेस से कंट्रोल किया जाता है एंड सर्वेलेंस के लिए यूज़ होते हैं बिल्कुल ट्रू है हम लोगों ने पढ़ा है है ना आई थिंक यू शुड रिमेंबर कन्वेक्शनल सबमरीन्स हैं ये डीजल इंजन uh, वाली हैं जो प्रोपेल Uh, करती हैं सबमरीन्स को और उसकी बैटरी को चार्ज करती हैं ये भी एकदम सही है लिस्ट करें एडवाचे एडवांटेज ऑफ अ कन्वेक्शनल सबमरीन एंड न्यूक्लियर सबमरीन ये भी हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट उसमें क्या बोलते हैं ए एस डब्ल्यू वेपन अभी जो हमारी रिसेंट वीडियो आई है, है आ, आ, आप आपका जो कन्वेक्शनल सबमरीन है वो शैलो वाटर में ऑपरेट कर सकती हैं आर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट क्योंकि ये स्मॉलर है, है साइज़ में इकोनॉमिकली चीपर हैं ठीक है सस्ती हैं कोई इनका रेडिएशन इफेक्ट नहीं होता फिर न्यूक्लियर सबमरीन है ये लंबे टाइम तक पानी में डाइव कर सकती हैं इनके पास ज़्यादा इंड्योरेंस की पावर है ज़्यादा टिक सकती हैं ज़्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी होती हैं लिस्ट करें टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडियन नेवी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको काफ़ी बार पूछ लिया जाता है टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट हैं फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट और अनमांड एरियल व्हीकल फिक्स्ड विंग के अंदर आपका कौन से आ जाते हैं जो लॉन्ग और मीडियम रेंज तक चलते हैं पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी होते हैं भैया सर्वेलेंस के लिए भी यूज होते हैं फाइटर भी हैं और आपके ट्रेनर्स भी हैं ट्रेनिंग को भी कराई जाती है लड़ाकू भी हैं एल आर एम ठीक है वन एल थर्टी एट टी यू वन फोर्टी टू एम ठीक है पी एट वन ठीक है और ये क्या है ये एक वेरियंट है किसका वेरियंट है ठीक है पी ए पी एट ए और यू एस नेवी का मतलब इसी का एक वेरियंट है यू एस नेवी वाले का वेरियंट है एम आर एम पी ड्रोनियर फाइटर सी हेरियर मिग ट्वेंटी नाइन के ट्रेनर कौन सा है किरण फाइटर कौन सा है ऊपर वाला सी हेरियर मिग ट्वेंटी नाइन के रोटेटरी विंग में कौन से हैं हेलीकॉप्टर बेस्ड सरफेस शेप होती हैं इसके अंदर आपका सी किंग और यू एच थ्री एच आ जाता है एंटी शिप एंटी सरफेस और कमांडो ड्रॉप के लिए कमोव आ जाता है एंटी सबमरीन और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए चेतक आ जाता है एंटी सबमरीन और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए यू ए वी होते हैं पायलटलेस लेस हैं ऊपर ही पड़ा था ठीक है इसको बेस से कंट्रोल किया जाता है सर्वेलेंस के लिए यूज़ होते हैं आ, तो ये है आपका सर्चर और हेरोन अगला है आपका नेवल कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन और सब डिपार्टमेंट्स बताओ उनकी ड्यूटीज़ बताओ ड्यूटीज़ क्या है भैया अलग अलग कम्युनिकेशन और सब डिपार्टमेंट्स की तो ये तीन सब डिपार्टमेंट्स में आपके डिवाइडेड हैं पहला है टैक्टिकल अगला है रेडियो और तीसरा है स्पेशल जो रिस्पांसिबिलिटी है इन तीनों की वो क्या है टैक्टिकल वालों का काम क्या होता है फ्लीट वर्क करना विजुअल सिग्नलिंग करना ठीक है वहाँ पे खड़े होकर विजुअली सिग्नल्स का वो देखना क्रिप्टोग्राफी देखना ऑफलाइन और ट्रैफिक हैंडलिंग करना रेडियो रेडियो टेलीग्राफी ऑटोमेटिक टेलीग्राफी रेडियो टेलीफोनी क्रिप्टोग्राफी ऑनलाइन ऊपर वाला ऑफलाइन था ये ऑनलाइन है एंड ट्रैफिक हैंडलिंग स्पेशल स्पेशल वाले क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ट्रैफिक हैंडलिंग राइट डाउन द मोर स्कोड ऑफ द फॉलोइंग तो हाँ आपको ये तो आना चाहिए इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है और टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना टफ भी नहीं है राइड डाउन द मोर स्कोड ऑफ द फॉलोइंग अच्छा ये कुछ नहीं है ये आपका वो है फोनटिक अल्फेब्स कम्युनिकेशन के अंदर जो है जिसमें ए से एल्फा बी से ब्रावो सी से चाड़ ली है ना ई e से एकओ एल्सलीमा आर्स रूमियो ठीक है और राइट डाउन द नेवल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स तो फॉक्स एफ से फॉक्स फॉक्सटॉट ओ से ऑस्कर कहने का मतलब जिनको नहीं पता सी इसका मतलब ये है कि जैसे हम नॉर्मल ए बी सी डी पढ़ते हैं अपने यहाँ पर लैंग्वेज में तो वैसे ही जो नेवी में यूज़ होती है ए बी सी डी तो उनका जो मतलब है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है वहाँ पे ए से हो गया अल्फ़ा बी से हो गया ब्रावो सी से हो गया चार्ली है ना एफ़ uh, से हो गया फॉक्स फोक्टॉट ई से हो गया एक्ो तो जी से हो गया गोल्फ तो ऐसे करके उनके नाम दे रखे हैं उन्होंने तो ये है और अलग अलग नाम का अलग अलग मतलब है तो अब तो ये है ठीक है जब फ्लैग हम यूज़ करेंगे उनके साथ तो फ्लैग का अलग अलग मतलब हो जाएगा कहने का मतलब है कि वर्ड सेम रहेगा जैसे एफ़ से फॉक्स फॉक्सटॉट सेम रहेगा आर से रोमियो सेम रहेगा जेड से जुलू सेम रहेगा ठीक है बस उनके फ्लैग के का मतलब हो जाएगा अलग क्योंकि देखो ये कम्युनिकेशन में होता है ये उनके फ्लैग का अलग अलग मतलब होता है ठीक है क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपस में आ, नेवी में उनका कम्युनिकेशन पैटर्न पूरा ही डिफरेंट होता है दैट इज़ वाई तो फॉक्स रॉड का मतलब है कि मैं ऑपरेट कर रहा हूँ फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट ऑस्कर का मतलब है मैन ओवरबोर्ड अगला है सीमा फोर एक्सप्लेन करो सीमा फोर होता है आपका विजुअल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि आप आँखों से देखकर कम्युनिकेट कर रहे हो अलग अलग फ्लैग से ठीक है फ्लैग्स आपके भैया हाथों से बनाए जाते हैं वी ऑल नो दैट ठीक है पास मैसेज करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस से डे लाइट में डे लाइट में क्योंकि हम देख सकते हैं आँखों से क्यों क्या सिग्नल दे रहा है अलग अलग सीमा फोर साइन का अलग अलग मतलब होता है दोनों हाथ से वो फ्लैग बनाते हैं और हमको हर फ्लैग का मतलब अलग अलग लेटर होता है ठीक है अलग अलग एंगल्स बनाते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं कुछ 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 कुछ, -कुछ अलग अलग एंगल्स पे होते हैं ये असेंशियल है कि हर एंगल सही तरीके से फॉर्म हो ताकि अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए सामने वाला नेविगेशन आप क्या समझते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गीड से लैटिट्यूड है आपका एक ऐसी जगह जो एक एंगुलर डिस्टेंस पे है एक ऐसी जगह के नॉर्थ या साउथ ऑफ द इक्वेटर लॉन्गिट्यूड क्या है भैया लैटिट्यूड वही आपका हॉरिजॉन्टल ठीक है और हॉरीजॉन्टल किसके है जैसे इक्वेटर क्या है इक्वेटर भी हॉरिजॉन्टल है लेकिन वो नॉर्थ है या साउथ है इक्वेटर के लॉन्गिट्यूड आपका लंबा सा हो गया एंगुलर डिस्टेंस है जिसको डिग्री मिनट और सेकंड्स में गिनते हैं और जो आपका मेरिडियन और मेरिडियन ऑफ ग्रीन विच से गुजरती है जो आपका बेस है टाइम का वहीं से टाइम वाइम हमारा स्टैंडर्ड मेरेडियन ऑफ ग्रीन विच से आपका टाइम भी गिनता है इसको मेजर किया जाता है जीरो टू वन डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरेडियन फिर एफिल ब्लैंक्स नॉटिकल माइल्स है आपका डिस्टेंस ऑफ वन एट फाइव थ्री मीटर्स स्पीड एट सी को मेजर किया जाता है नॉट्स से जो इंडिकेट करता है डिस्टेंस इन नॉटिकल माइल्स और कितने हम हर घंटे उनको गिनते हैं तो जो फ्लोटिंग नेविगेशनल मार्क्स हैं ये यूज़ किया जाता है डिमार्क करने के लिए कोई चैनल या डेंजर्स को उन्हें बॉयज़ कहते हैं जैसे सोनो बॉयज हो गए डिस्टेंस हैं आपके सी इनको में इनको यूजली केबल में मैंशन किया जाता है एक केबल आपका अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड यार्ड्स तक होता है सी

फिर है फाइव मेथड्स बताइए फॉर मेंटेनिंग एंड सिक्योरिंग ऑफ रोप ये भी आपको पता होना चाहिए जब रोप पड़ते हैं ना तो उसमें कि कैसे मेंटेन किया जाता है और कैसे सिक्योर किया जाता है रोप को ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ लेते हैं कि भैया एक्सपोजर ना हो ज़्यादा सनलाइट पे एक्सपोजर केमिकल से हैंडलिंग स्टोवेज ठीक है वियर चाफिंग स्ट्रेचिंग रस्ट हीट ऑयल एंड ग्रीस राइट डाउन अ टाइप ऑफ एंकर रियली इंपॉर्टेंट एंकर तो ऐसा क्वेश्चन है ना जो ऑलमोस्ट नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट फिक्सड है आपके सारे पेपर में आना तो एंकर तो भैया करके ही जाना एंकर को तो ऐसे ऐसे रट लो ना अच्छे से करके चले जाना एंकर को एंकर एंकर के टाइप एंकर का डायग्राम एंकर का जो डायग्राम होता है उसकी लेबलिंग टाइप ऑफ एंकर एडमरालिटी प्लान एंकर एडमिरालिटी स्टैंडर्ड स्टॉकलेस ए सी फोर्टीन ए सी सिक्सटीन ए ए सी सेवनटीन और सी क्यू आर एंकर चट्टम क्विक रिलीज एंकर कहते हैं इसको फिर है आपका एन बी सी डी एन बी सी डी की फुल फॉर्म बता दो अब तो नीचे इतनी बार बता दी है मैंने नीचे कमेंट करके बताओ कौन करेगा कमेंट लेट्स सी फिल इन द ब्लैंक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटेंग्विशर को यूज़ किया जाता है अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल फायर सी क्लास ऑफ फायर आपकी गैशियस फायर होती है कोई भी डैमेज जब शिप पे आता है कोई कंपार्टमेंट में ठीक है तो उसको तीन जोन में बांट दिया जाता है ठीक है तो ये तीन जोन होते हैं आपके प्राइमरी जोन सेकेंडरी जोन और रिमोट जोन इसको टर्शरी जोन मतलब किया जाना रिमोट जोन होता है ये थर्ड वाला लिस्ट एनी फोर आइटम केप्ड इन डैमेज कंट्रोल लॉकर तो वुडन प्लैंक आयरन क्लैंप, हैमर एडजस्टेबल रेंज स्प्लिंटर बॉक्स वाटरप्रूफ प्रूफ टॉर्च ओकम ब्रीदिंग अपारिटिस राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीयू एयर ट्रीटमेंट यूनिट डीसीएचक्यू डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर शिप एंड बोट पोलिंग नेम मेनी फोर टाइप ऑफ वुड यूज फॉर शिप मॉडलिंग इंपॉर्टेंट है बालसा वुड टीक येलोपाइन रेड स्टार डगलिस फेर एफ्रीकन वुड uh white wood name any two type of model prepared during the ship modeling solid model working model sailing model name any uh two measuring and testing tools using used in ship modeling tape chain measure foot rule okay try square sliding uh left म एनी टाइप ऑफ ज्वाइंट्स यूज इन कारपेंट्री ऑफ शिप मॉडलिंग लैब जॉइंट हालविंग ज्वाइंट ब्रिज ज्वाइंट मोटर्स टेनन ज्वाइंट टंग एंड ग्रूव ज्वाइंट अगला है आपका सर्च एंड रेस्क्यू फिलेन द ब्लैंक्स इंडियन कोस्ट गार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इन वॉटर एट जॉइनिंग द इंडियन कोस्ट मे डे मे डे मे डे कॉल ऑलवेज गिवन थ्री टाइम्स इन अरो इज एमरजेंसी कोड वर्ड यूज इंटरनेशनली एज अ डिस्ट्रेस सिग्नल वेन यूजिंग वॉइस रेडियो कम्युनिकेशन तो ये बेसिकली मे डे मे डे मे डे आपका जो है ये आपका एक, एक, एक एमरजेंसी कोड वर्ड है जब कोई डिस्ट्रेस सिग्नल देना होता है तब इसको यूज किया जाता है कोई भी सिक्स कंटेंट्स बताइए ऑफ अ लाइफ राफ्ट ये भी यू शुड नो ड्रिंकिंग वाटर मिरर मतलब जो एक आपका लाइफ सेविंग राफ्ट होती है ना उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ड्रिंकिंग वाटर मिरर फ्लार ड्राई मार्कर पैडल नाइफ फ्लैग टॉर्च विद ड्राई सेल फिशिंग गियर और फ्लैर्स वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई द फॉलोइंग अबैंडन शिप जब आपकी एक शिप डूबने वाली होती है सी में जो कैप्टन होता है शिप का ये आपको ऑर्डर देता है अबैंडन करो शिप को मतलब कि जो क्रू है शिप का वो सिंकिंग शिप से भैया अपना कूदो पानी में ठीक है और अपना इंडिविजुअल की जान बचाओ पानी में कूदो मतलब जो भैया उनकी क्या होता है वो लाइफ जैकेट वैकेट जो भी मतलब वो पहनते हैं लाइफ गार्ड वार्ड उसको पहन के कूदो स्विमिंग स्विमिंग में भी भैया आते हैं देखो हर सेक्शन से ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको हर सेक्शन से क्वेश्चन करने चाहिए और अगर आपको कोई क्वेश्चन मतलब कोई सेगमेंट आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना आप लोगों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार कोई सेक्शन तो यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा और मैंने पढ़ा नहीं है तो एटलीस्ट आप ये जो मॉक पेपर्स हैं इनको कर लो तो हर सेक्शन से कुछ 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 क्वेश्चन आपको अगर आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आप अटैम्प्ट करके ही आओगे तो ऐसा होगा कि आपने कुछ अटैम्प्ट करा है कुछ सेक्शन से तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहले क्वेश्चन से सबसे पहला है राइट डाउन द फुल फॉर्म Abbreviations basically ACNS Assistant Chief of Naval Staff, CWPA Controller Warship Production and Acquisition, MOC Maritime Operation Center, HQNA Headquarter Naval Aviation, FOSM Flag Officer Submarine, COL Controller of Logistic, ASD Admiral Superintendent Dockyard, CSO Technical. Uh, तो ये है आपका चीफ स्टाफ ऑफिसर राइट डाउन द इक्विवेलेंट रैंक इन आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स एज आई टोल्ड यू बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट है कमिशन भी और नॉन कमिशन भी और तीनों का तो आई गेस कि आपने जो पहले से वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने कर लिया होगा लोन बट uh, जो अभी इसमें गिवन है ठीक है लेट्स समराइज दिस आर्मी में जनरल नेवी के एडमिरल और एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के इक्विवेलेंट होती है आर्मी में कर्नल नेवी में कैप्टन एयर फोर्स में ग्रुप कैप्टन की इक्विवेलेंट होती है आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल नेवी के कमांडर और एयरफोर्स के विंग कमांडर के इक्विवेलेंट होते हैं आर्मी के नायब सूबेदार नेवी के चीफ पेटी ऑफिसर एयर फोर्स के वारंट uh, ऑफिसर के इक्विवेलेंट होते हैं फिर आपका आर्मी के हवलदार नेवी के पेटी ऑफिसर एयर फोर्स के सार्जेंट के इक्वल होते हैं मेंटा ये लोकेशन है आईएनएस एन वेंडरूथी आपका कोची आईएनएस एन द्रोणाचार्य कोची आईएनएस एन डेग विशाखापट्टनम आई मतलब इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप कस्तूरी लोनावाला आई एन एस काटाबोमान ओके okay, ये है आपका तिरनूल वे, वेली आई एन एस मुंबई आई एन एस वलसूरा जाम, जाम न, नगर आई एन एस जरावा पोर्ट ब्लेयर नॉटिकल टर्म्स a portable flight of steps down the ship side is known as accommodation ladder. regulation governing the naval of uh, forces of india, where, uh, which are read to every ship's uh, company on commissioning and every friday, are known as article of war, order given on ship to have the crew stop, cease or deceased from doing whatever is being known as a vast. a uh, binacle is like a pillar like stand on which a ship compass is mounted a non commissioned officer responsible for sail rope and boats on the ship who issues piped command to the seaman is known as Boast boatswain or bosun this is a coxswain name like maybe the four main points of the compass, north, south, east, west, are known as cardinal points. Cardinal points, ye, is common. Vessel with two hulls is known as Cat The bottom of uh, the bottom of sea is also known as Davy Jones Locker. The underside of the deck above, which is the ceiling of a compartment, is known as deckhead. A bumper made from coir of rubber filled with air or foam. एंड यूज़ टू कीप बोट फ्राम बैंगिंग इन टू द डॉक यार्ड और ईच अदर इज नोन एज अ फेंडर अच्छा तो बेसिकली जो एक बंपर जैसा बना होता है जिस वजह से जो ये बोट्स हैं ये एक डॉक से टकराए ना बार बार उसको फेंडर कहते हैं हाइट ऑफ अ शिप हल अबाव द वॉटर लाइन ठीक है इज नोन एज द फ्री बोर्ड ऑफ द शिप मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा इजी टर्म्स हैं ठीक है वो आप खुद समझ जाओगे तो एम नॉट टेलिंग इट तो अगर आपको स्टिल ना ना आ रहा हो तो आप नीचे लिख कर बोल दो मैं अगली वीडियो से फुल पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी द किचन ऑन बोर्ड ऑफ शिप इज़ नोन एज शिप्स गैली शिप का किचन टॉयलेट्स ऑन शिप्स आर नोन एज हेड अरे वाह बड़ा बढ़िया नाम है तो Debris ejected from ships that may sink or wash is known as jetstump The side of ship sheltered or from the wind is known as the lee side Turbulence that vessel leave behind is known as a wake Wake wala question pehle bhi मतलब पहले आ, पेपर में जो हमने डिस्कस हैं नेवल कम्युनिकेशन राइट डाउन द इंटरनेशनल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स ब्रावो डिस्चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव्स होटल हैव पायलट ऑन बोर्ड राइट डाउन द इंडियन नेवी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग ऑस्कर मैन ऑन बोर्ड रोमियो रेडी ड्यूटी शिप डाउन द फुलॉर्म एम एस ओ मेन सिग्नल ऑफिसर एस सी ओ सिग्नल कम्युनिकेशन ऑफिसर सी ओ एम एंड एन ई टी सी ई एन अरे बाबरे ता लंबा है Communication network center MCO main communication office WEU wireless equipment unit NEWN -E Navy enterprise wide area network. Write down the meaning of the following prosign: AR end of transmission, BT break, K and open bracket B more to know. Within the blanks, a warship lies on the mast, a commissioning pennant, that is long, narrow pennant, which indicates the commission of a ship. The national flag is known as Jack okay, and is hosted on Jack's staff on Foxhill okay, while on the harbour. Flag of Indian Navy is known as Indian uh, National ensign. सॉरी इज नोन एज नेवल इंसाइन एंड यूजअली होस्टेड ऑन इंसाइन स्टाफ ऑन द क्वार्ट एक वाल इन हार्बर अच्छा ये आप जरूर याद रखना देखो ये तो पता ही है कि नेशनल फ्लैग को जैक स्टाफ में और नेवल इंसाइन को इंसाइन स्टाफ में लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो जैक स्टाफ है ठीक है ये आपका कहाँ पर है मतलब जो बेसिकली नेशनल फ्लैग है वो जैक स्टाफ में लगेगा जैक स्टाफ में कहाँ लगेगा ऑन द फॉक्सल ऑफ अ शिप चीजें साथ में लिंकड है नेशनल फ्लैग जैक स्टाफ फॉक्सिल ठीक है और जो नेवल इंसाइन है तो ये नेवल एनसाइन इंसाइन स्टाफ और कहाँ पे लगेगा क्वार्टर डेक पे फ्लैग होस्ट इज टू बी एग्जीक्यूटेड वाइल्ड इट इज हॉल्ड डाउन नेम एनी सिक्स पार्ट ऑफ़ और ग्र हाँ और के पार्ट्स भी आ जाते हैं रिमेंबर दिस ग्रिफ्ट ग्रिप शाफ्ट लूम लेदर पीस कॉपर कॉपरबैंड ब्लेड नेम सिक्स पार्ट ऑफ एंकर एड सॉरी नेम सिक्स टाइप ऑफ एंकर एडमिरालिटी पैटर्न डान फोर्थ एडमिटी स्टैंड एडमिरालिटी पैटर्न ए सी ट्वेल्व एंड ए सी फोर्टीन एडमिरलिटी टाइप ए सी सिक्सटीन एंड सेवनटीन पार्ट ऑफ एंकर पार्ट्स भी आ जाते हैं इसको भी याद रखना एंकर रिंग क्राउन और आपका ग्रेविटी शैकल नेम सिक्स टाइप ऑफ स्टॉपर यूज इन इंडियन नेवी टू बी वेरी ऑनेस्ट ये भी आ जाता है वायर स्टॉपर कॉडेज स्टॉपर कारपेंटो स्टॉपर मैन मेड फाइबर कॉडेज स्टॉपर चेन स्टॉपर चेन चेक स्टॉपर कॉडेज चेक स्टॉपर नेम एनी सिक्स स्प्लाइसेस बैक स्प्लाइस आई स्प्लाइस शॉर्ट स्प्लाइस लॉन्ग स्प्लाइस कट स्प्लाइस चेन स्प्लाइस फ्लैमिशाई

पॉलीप्रोलीन रोप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय ब्लू याम इन वन स्ट्रैंड ठीक है और जो पूरा ब्लैक कलर में होता है तो ये फॉल्स है ऐसा कुछ भी नहीं है एक ऐसी रोप जिसको पे आउट किया जाता है फटाफट ठीक है इसको फेक डाउन किया जाता है लॉन्ग फेक्स एज पेस अलाउज तो ये भी ठीक है वेन नीड्स टो इज़ यूज फॉर शॉर्ट एंड ऑफ रोप इट मे बी चीज डाउन टू ट्रू है कार्पेंटर स्टॉपर कैन बी यूज ऑन वायर रोप फॉर पर्मनेंटली होल्डिंग अ रोप विच इज अंडर स्ट्रेन फॉल्स मार्लिंस स्पाइक हिच इज यूज टू सिक्योर अ रोप्स एंड टू द स्पार फॉल्स है मंकी फिस्ट इज मेड इन द एंड ऑफ अ रोप फॉर डेकोरेशन तो भैया ये भी फॉल्स है मिडल एक्सटेंस फ्रॉम ट्वेल्व हंड्रेड टू सिक्सटीन हंड्रेड आवर्स फॉल्स मनीला रोप इज अ मैन मेड फाइबर रोप चीफ क्वाटर मास्टर शिप इज टू स्टर दिप फॉल्स अ मैथड ऑफ फास्टिंग टूगेदर टू पार्ट ऑफ रोप सफिशली स्ट्रॉली टू स्टैंड अ रिक्वायर्ड ट्रेन इज नोन एज माउसिंग गलत है भैया में आ गया मेनी फोर मिसाइल इंडियन नेवी सी ईगल कश्मीर मैजिक मात्रा ब्रह्मोज शीतल बार क्लब उरान पी ट्वेंटी ट्वेंटी वन या ट्वेंटी टू आर एस आर आर जेड सिक्सटी वन एल जी एल ए नहीं मैनी फोर गन्स यूज इन इंडियन नेवी ये मिसाइल याद रखना गन्स याद रखना ठीक है ए के वन सेवेंटी सिक्स ए के टू थर्टी ए के सिक्स थर्टी ए के हंड्रेड ए के सेवन ट्वेंटी सिक्स ए वन सिक्सटी सॉरी हाँ वन नाइन्टी सिक्स एम एम एस आर जी एम ओ टी ओ मेलारा Twenty MM Ori Kilon <sighs> Four point five inch wickers, twenty MM हिस्पेनो बॉर्फॉस फोर्टी या सिक्सटी या बॉर्फस एल सेवेंटी इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी ये वेन है चार बोला है ठीक है चंद याद करके चले जाना छः सात ठीक है जो भी लगे हैं आपको इज ईजी इन द ब्लैंक्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है फॉर फाइटिंग द एफिशंसी ऑफ एशिप एक्सप्लोजिव काउंटिंग अकाउंटिंग ऑफिसर रिस्पांसिबल है फॉर ऑल द एमिनेशन ऑफ गनरी uh, डिपार्टमेंट आपका यूजअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर फोक्स ऑफ द शिप एज अ पार्ट ऑफ शिप ऑल एम्यूनेशन ऑन द शिप इज कैप्टन स्पेशल स्टोर रूम नोन एज मैगजीन सरफेस टू सरफेस मिसाइल को यूज़ किया जाता है बाय शिप अगेंस्ट अनदर शिप सरफेस सरफेस टू एयर मिसाइल को यूज़ किया जाता है बाय एन एयरक्राफ्ट अगेंस्ट ए शिप ऑल वेपन एंड एम्यशन इन इंडियन आर्मी को हैंडल किया जाता है बाय द नेवल आर्मी एंड डिपो और uh, all weapon and ammunition in indian are in indian navy are inspected by the naval rro organization nbcd full form of dc damage control wt watertight atu air treatment unit dchq damage control Headquarter. fill in the blanks fire may be spread by any of the three ways ye aapke conduction convection radiation three sides of fire are heat fuel and oxygen the three state of nbcd readliness, observed in ship आर वन टू एंड थ्री इन एनी केस ऑफ डैमेज कंपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है फॉर थ्री जोन्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड रिमोटर श्री मत बोलना लिस्ट एनी एट आइटम्स कैप्टन फायर फाइटिंग लॉकर और शिप यार मैंने तो अभी जो आपको वीडियो रिसेंटली डाली है ना शिप uh, क्या बोलते हैं फायर फाइटिंग एंड शिप मॉडलिंग ये सारा का सारा तो बेसिक कवर है उसमें ठीक है ये सब तो उन्होंने उसमें से पूछा हुआ है और ये जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं ना फायर फाइटिंग ये सब करके जाना ठीक है इंपॉर्टेंट है जेट नोजल स्प्रे नोजल फायर होसेज फायर मैन ओपन कीज़ फायर शॉट टॉर्च लाइफ लाइन कम्युनिकेशन सेट फायर फाइटिंग सूट ब्रीदिंग अपार्टिस ये सारा लिस्ट एनी एट आइटम्स कैप्टन डैमेज कंट्रोल लॉकर ऑन शिप वर प्लैंक आयरन क्लैम्प हैमर एडजस्टेबल रेंच स्पलेंडर बॉक्स वाटर प्रूफ टॉर्च ओकम ब्रीदिंग अपारटिस तो ये सारा करके जाना ठीक है शिप मॉडलिंग अगेन ठीक है लग रहा होगा कि यार क्या शिप मॉडलिंग लेकिन इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं और कर लो उसको uh, पहला इम्पॉर्टेंट है नहीं मैं नहीं फोर टाइप्स ऑफ वुड यूज इन शिप मॉडलिंग करके जाना बालसा वुड सबसे अच्छा वुड माना जाता है बालसा है <coughs> जैपो का जैपोनिका वोड प्लाई वोट टीक येलो पाइन डगल फिर सिल्वर स्प्रूस रेड स्टार uh, मैपल महगोनी uh, अफ्रीकन वाइट वुड पाइलर्स आर यूज टू तो कट हार्ड वुड एंड मेटल्स आर यूज फॉल्स है ठीक है तो नाइव्स को यूज किया जाता है टू कट बाल्सा एंड अदर सॉफ्ट मटेरियल फॉल्स स्मूदिंग प्लेन का यूज किया जाता है टू सरफेस स्मूदिंग ऑफ वुड ट्रू ड्रिलिंग मशीन का यूज किया जाता है फॉर मेकिंग होल्स इन वुड एंड मेटल्स ट्रू गम एंड पेस्ट को यूज किया जाता है फॉर फिक्सिंग पीसेज ऑफ वुड टूगेदर ट्रू हार्ड हार्ड वुड को यूज किया जाता है फॉर शिप मॉडलिंग कोई भी फोर टाइप के जॉइंट्स बताइए इसको भी पढ़ के जाना लैप जॉइंट हाविंग जॉइंट मोटाइस एंड टेनन जॉइंट्स ब्रिडल जॉइंट टंग एंड ग्रूव जॉइंट in the blank's full form of sarad search and rescue um, indian coast guard is responsible for sar at sea across the india you operate karta hai at maritime research uh, rescue or coordination center at chennai and mumbai for this purpose life saving e equipment on the ship include boat life raft life boys, life jacket tk 8 content of a uh, lifeboat या लाइफ राफ्ट ड्रिंकिंग वाटर चॉकलेट एंड अदर प्रिजर्व्ड ईटेबल्स मिरर फ्लैर्स एंड ड्राई मार्कर पैडल्स नाइफ फ्लैग टॉर्चेस विद ड्राई सेल फिशिंग अटैकल गियर्स या आपका फ्लैर्स ये भी दोनों क्वेश्चन करके जाना आई डोंट नो लेकिन ये जो पेपर जो मुझे मिला है ना ये वाला पेपर दिस फील्स वेरी गुड तो मुझे इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं पेपर अच्छे से कर लेना ये है कौन सा सेक्शन एंटी समरीन वॉरफेयर ठीक है ए एस डब्ल्यू नई मनी फोर टाइप्स ऑफ एंटी सबमरीन वेपन यूज इन इंडियन नेवी डेप चार्ज मॉटर रॉकेट टॉरपेडोज माइन्स नई मैनी फोर टाइप्स ऑफ माइन्स यूज इन इंडियन नेवी मूड माइंड कॉन्टैक्ट माइंड इन्फ्लुएंस माइंड ग्राउंड माइन्स स्टेट टू एंड फॉल्स टॉर्पेडोज आर फायर बाई शिप सबमरीन एंड एयरक्राफ्ट देखो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगी कि इस पैटर्न में पेपर आएगा ठीक है लेकिन जो क्वेश्चन है ना मतलब जो इंफॉर्मेशन है इस पेपर में इनमें से मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं जो अक्सर रिपीट होते हैं तो दैट इज आई एम टेलिंग यू कि जो uh, यहाँ पे क्वेश्चन हैं इनको आप कर लेना ठीक है थोड़ा मतलब इनको देख लेना एक बार तो आई फील कि ये क्वेश्चन मे बी अगेन इनमें से काफ़ी रिपीट होंगे तो टॉर्पिडोज़ को फायर किया जाता है बाई शिप सामरीन एंड एयरक्राफ्ट ट्रू है द सी ई टी सिक्सटी फाइव एक एंटी सामरीन रॉकेट वेपन है Uh, जो कोई शिप ऑन द आई एन ठीक है इस पर फायर होता है तो फॉल्स है रैपिड चेंज ऑफ कोर्स आर यूज बाय शिप फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द समरीन ठीक है सही है शिप इज़ आर डिसएडवांटेज अगेंस्ट अ समरीन एट सिंस शिप्स आर बिगर एंड समरीन आर जनरली स्मॉलर तो ये बात भी सही है क्योंकि छोटी है तो भैया आप फायर एंड ऑल भी कर सकते हो और छुप छुप के भी फायर कर सकते हो तो ये भी थोड़ा ट्रू है न द नॉइज मेड बाई शिप प्रोपेलर कैन बीयर्ड एंड इट आर पी एम कैन बी काउंटेड ट्रू है पेरेस्कोप ऑफ अब मरीन कैन बी यूज टू अपने टारगेट इन्फॉर्मेशन फॉर फायरिंग ऑफ अ टॉरपेडो सही है पेरेस्कोप के बारे में भी बताया था पेरेस्कोप कुछ नहीं है वैसे सिंपलाइज ऊपर को देखते हो कभी देखा है बचपन में कार्टून एंड ऑल उसमें सबमरीन में दिखाया जाता था डोरेम में कि एक छोटा सा ऐसे डंडा जैसा निकलता है डोरेमोन के गैजेट से और वो सबमरीन के आस पास देख लेता है सारा एक डंडा जैसा ना निकलता है है सबमरीन ऊपर को उसमें कैमरा फिटेड होता है और वो आसपास देख लेता है कि क्या चल रहा है है ना आसपास नियर बाय लैंड में तो ऐसी पेरिस्कोप होता है ठीक है बट ऑब्वियसली थोड़ा उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवास्ड होता है जो हम <laughs> कार्टून में कभी देखा करते थे उससे ज़्यादा एडवांस्ड होता है अगला है स्विमिंग कैडेट शुड नॉट एंटर द स्विमिंग पूल इफ़ द लाइफ गार्ड ड्यूटी इज नॉट प्रेजेंट ट्रू है लाइफ गार्ड जैकेट मस्ट बी वोन इवन इन पुलिंग वेलर ट्रू है भैया कभी भी गिर सकते हो तो वाई यू हैव टू टेक योर लाइफ एट रिस्क कैडेट मस्ट बी डाइव इंट द स्विमिंग पूल टू शो दैट दे आर नॉट अ फ्रेड ऑफ वाटर नहीं ठीक है यहाँ पे बहादुरी नहीं दिखानी है एंड अबिलिटी टू स्विम इज नॉट नेसेसरी फॉर कैडेट ट टू टेक पार्ट इन बोट पुलिंग और सेलिंग है ठीक है क्योंकि स्विमिंग मैंडेट्री है उन बच्चों के लिए जो एन एस सी में बोट पुलिंग या सेलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फोर लाइफ सेविंग इक्विपमेंट या मेजर्स यूज इन स्विमिंग पूल लाइफ गार्ड लाइफ लाइन लाइफ बॉय बैंबोस्टिक तो अगेन आई वुड से ठीक है सारा ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ठीक है ट्रू एन फॉल्स तो आप स्किप कर सकते हो बट अपार्ट फ्राम दैट

तो आ, हम इसी टॉपिक्स को इन दो मेजर टॉपिक्स को आज की वीडियो में कवर करेंगे तो सबसे पहला है हमारा फायर फाइटिंग फायर फ़ाइटिंग का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग समझ लो फायर फाइटिंग इज़ इस नथिंग इसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारी जो फायर है वो तीन चीज़ों से लगती है ठीक है क्या हो गया कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो फायर कैच करता है जैसे लकड़ी है कपड़ा है है ना या कागज़ है एक्सेट्रा और अगला है हीट तीसरा है ऑक्सीजन तो इन तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो फायर लगती है अब इन अगर हमको फायर को काटना है तो इन तीन चीज़ों में से हमको एक एक चीज़ों को हटाना है इन तीन चीज़ों में से अगर हम कोई एक चीज़ को भी कट कर देंगे ना तो फायर हमारी कट हो जाएगी अब देखो ऑब्वियसली अब हम फायर अब कभी जैसे हम आँख जलाते हैं तो हम छोटे बेसिस पर जलाते हैं घर में जला ली है ना सर्दियों में जला ली लेकिन अब पता है वी ऑल नो कि फायर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है जैसे अगर हम शिप्स में कभी देखें वहाँ पे आग लग गई है ना या कोई कारखाने में आग लग गई तो यार वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाती है क्योंकि जो आपकी फायर है ना वो भी नॉर्मल फायर नहीं होती है एक तो नॉर्मल फायर है कि पानी डाल के बुझा दी ठीक है मिट्टी डाल के बुझा दी आपकी इलेक्ट्रिकल फायर है गैशियस फायर है है ना तो हमको ये नहीं अब जैसे पार्किंग में फायर लग गई तो वो अलग ही टाइप की फायर है उसमें आप पानी डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इस वजह से जो आपकी फायर है ठीक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है है ना आपका किसी भी जगह में तो इसीलिए ये आपका कॉमन सब्जेक्ट और आपका ये नेवी मतलब इनमें इतना हाईलाइटेड है और इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट उससे मेथड ऑफ आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फायर इज़ नोन आज स्मूदरिंग तो जो मैंने बताया आपका जो फायर ट्राइंगल है उसमें से अगर हम ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मूदरिंग ए एफ 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 एक्सटिंग्विशर ठीक है अब ये क्या है अब देखो सीधी सी बात है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ वहाँ ठीक है इन ये फायर वो करने के लिए क्या करती हैं तो इनके पास होते हैं क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स फायर एक्सटिंग्विशर्स के भी अपने अपने टाइप होते हैं तो ऐसे ही आपका जो ए एफ 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 एक्सटिंग्विशर है ये आपका एक्सटिंग्विशर का एक नाम है ठीक है ये एक्वा फायर फोमिंग समथिंग समथिंग है अगर आगे आएगा तो एल्टल यू फाइन तो तो इसमें कितना है तो ये आपका 120 हंड्रेड ट्वेंटी ग्राम्स ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड कार्टिलेज कंटेन करता है हीट जो है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है बाय कंडक्शन अगर याद हो साइंस में वी ऑल हैव रेड अबाउट कंडक्शन कंड्यूशन रेडिएशन फाइन तो कंडक्शन के थ्रू आपका हीट ट्रांसफ़र होती है जैसे खाना बनाते हुए है ना जैसे जो बर्तन है और चम्मच रख दोगे तो चम्मच में भी वो हीट आ जाएगी है ना कोई करछी रख दोगे करछी में भी हीट आ जाएगी तो कंडक्शन हो गया फायर फाइटर क्या करते हैं आपका स्प्रे या जेट नोजल का यूज़ करते हैं देखा होगा है ना एकदम एक बहुत तेज दबाव आप पानी का आप देखोगे जब फायर फाइटिंग के लिए जो टीम आती है कहीं बुझाने के लिए तो वो है टीम लीडर टी आई सी यूज़ करते हैं फर्स्ट गोल्डन रूल जहाँ पर शिप सेफ्टी कंसर्न होती है उसको बोला जाता है शिप्स ले आउट डैमेज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है डिफेंस अगेंस्ट डैमेज इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट ऑब्वियसली ठीक है कि वो डिफेंस के अगेंस्ट डैमेज लाइक प्रोवेंट करेगी एनबीसीडी बहुत इंपॉर्टेंट याद करके जाना आता ही आता है ऑलमोस्ट लाइक like हर साल बस ये क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं एनबीसीडी है आपका न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट एड टाइट डिसिप्लिन इज़ कंट्रोल ऑफ डोर एंड हैचेज रिस्ट्रिक्टेड बाई लेटर एक्स वाई जेड और ज़ीरो तो ये एक्स वाई जेड ज़ीरो है ये क्या हिसाब है कि मानो आपकी शेप एकदम बीच समुद्र में है वहाँ पे इसमें आग लग गई आग लग गई तो अब पहला कंसर्न क्या होगा आग को बुझाने का अगला कंसर्न क्या होगा कि भैया आग को तो बाद में बुझाना पहले ये इंश्योर करो कि जो आग लग गई है ये आगे स्प्रेड ना हो ऐसा ना हो कि भैया साला ये आंख फटाफट कैच कर जाए और जगह में इतनी बढ़ जाए कि हम इसे कंट्रोल ही ना कर पाए तो उसके चलते ये क्या करते हैं ये अलग अलग वो बना देते हैं डोर्स की इसको यहाँ से बंद कर दो उसको वहाँ से बंद कर दो है ना यहाँ का दरवाज़ा खोल दो वहाँ का बंद कर दो तो ऐसे करके ये डोर्स होते हैं कि इसको ओपन करना है इसे क्लोज़ करना है तो उसी के नाम दे देते हैं ये एक्स वाई जेड ओ ठीक है कि भैया सबको मतलब संकेत देने के लिए कि एक्स एक्स तो उन सबको ये पता है कि अच्छा एक्स है तो हमको यहाँ जाना है ठीक है या वाई है तो हमको वहाँ भागना है ठीक है तो लोगों को बताने के लिए तो ये चीज़ें होती हैं इसमें दर इज नथिंग मोर देन दैट इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है अगला मैच द फॉलोइंग तो पहला है जनरल फायर तो जनरल फायर में यूज़ुअली वाटर स्प्रे यूज किया जाता है वी ऑल नो पानी से बुझाई जाती है फायर अगला है आपका ऑयल फायर ऑयल फायर में ए एफ 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 फोम ठीक है तो ये हम यूज करते हैं थर्ड है आपका फेरोन लाइक थर्ड है आपका गैशियस फायर गैशियस फायर में हम लोग फेरोन वन वन फोर बी टू ठीक है ये यूज किया जाता है फोर्थ <clears> टाइप <throat> है हमारा मेटालिक फायर मेटालिक फायर में हम ड्राई केमिकल पाउडर जिसको हम डीसीपी भी बोलते हैं ये यूज किया जाता है ई है हमारा इलेक्ट्रिकल फायर जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं जो आप यूजुअली वो देखते हो ना जो बिल्डिंग्स में लगा होता है फायर एक्सटिंग्विशर उसमें यूजवली हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर चांसेज इलेक्ट्रिकल फायर के ही होते हैं मेटालिक गैशियस ऑयल फायर के यूजअली नहीं होते हैं इंडस्ट्री नहीं है अगला है आपका नेम थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर एक्सप्लेन स्टारविंग स्मूदनिंग एंड कूलिंग अच्छा तो यहाँ पे क्या है जो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर फायर ट्राइंगल तो फायर ट्राइंगल में से अगर हम लोग स्मूदनिंग uh, करते हैं तो स्मूदनिंग में हम क्या करेंगे जो ऑक्सीजन सप्लाई है मतलब वो जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें से हम ऑक्सीजन को कट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्मूदरिंग उसमें से अगर हम बर्निंग मटेरियल जैसे लकड़ी है कपड़ा है या पेपर है जिसमें भी मतलब आग लग रही है उसको ही अगर हम हटा देंगे तो उसको हम बोलेंगे स्टारविंग कूलिंग हो गया जिसमें हम लोग जो हीट है जो गर्मी है जो जिस वजह से मतलब जो इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से आग को जो वो मतलब फेवर कर रहा है तो जब हम लोग आ, जो हीट uh, है उसका ही सप्लाई कट कर देंगे उससे हम बोलेंगे कूलिंग तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं ये जो आपका ये है फायर का ये मैं आपको शॉर्ट में बता सकूं अब इससे शॉर्ट में तो बता नहीं पाऊंगी अगर आपको फर्दर जानना हो तो चेक आउट माय अर्लियर वीडियोस उसमें मैं आपको मिल जाएगा सब कुछ तो ये है आपका कॉन्सेप्ट नेम द एक्सटिंग्विशर्स यूज इन नेवी आना चाहिए ठीक है नाइन लीटर ए एफ 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 एक्सटेंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटेंग्विशर ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर फिक्सड फायर फाइटिंग सिस्टम नेम फोर मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम यूज इन नेवल चिप्स फायर हाइड्रेंट सी वॉटर फोम मेकिंग ब्रांच पाइप हेलोन सिस्टम फेरॉन सिस्टम इंजन रूम स्प्रिंकलिंग सिस्टम स्प्रेइंग सिस्टम मैगज़ीन स्पेल या इंजन रूम फ्लडिंग सिस्टम मैगज़ीन, यू वी एक्सप्लोजिव कंपार्टमेंट तो ये आपके फोर तरीके के आ, मेजर फायर फाइटिंग सिस्टम है जिनको नेवल चिप्स में यूज किया जाता है एक्सप्लेन एन बी सी डी स्टेट ऑफ रीडिंगनेस अच्छा रीडलीनेस uh, तो एन बी सी डी है ठीक है बताया ऊपर तीन इसके स्टेट्स होते हैं पहला स्टेट है हाईएस्ट स्टेट ऑफ रीडलीनेस इसमें जो आपके हैं एक्स वाई जेड तीनों जो मार्किंग डोर मतलब जिनमें भी ये साइंस आपके हैं इनको इनके जो डोर और हैचेज़ हैं इन तीनों को हम बंद कर देंगे मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिकली आपका हाइएस्ट स्टेट है अगला है आपका एक्स वाई मार्किंग क्लोज रहेगी जेड खुला रहेगा और तीसरा स्टेट है एक्स रहेगा और वाई जेड मार्किंग ओपन रहेगी इसमें कुछ भी मत लगा के आ जाना अपने मन से कि हाँ ये ओपन है ये क्लोज है इसको याद रखना ठीक है इनकी मार्किंग का तरीका है तो डोंट मिस आउट ऑन दिस अगला है राइट फुल फॉर्म ये एब्रीविएशन है इंपॉर्टेंट है आ जाती है डी सी पी आई टोल्ड यू ड्राई केमिकल पाउडर एल्सा एमरजेंसी लाइफ सेविंग अपैरेटर्स ए एफ 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 एक्वेस फिल्म फॉर्मिंग फोर्म डी सी एच क्यू डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर एन बी सी डी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल इंक्लूडिंग फायर फाइटिंग एंड फोर्ट एड मैच द फॉलोइंग अगला है आपका फिर आ गया है ए एम आर तो एम आर इज योर गैस टाइट कंट्रोल मार्किंग फाइन अगला है आपका फ्यूल फ्यूल है आपका लिक्विड गैस थर्ड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटेंग्विशर तो ये है ब्लैक कलर विथ सिल्वर हील फिर है आपका स्टेट थ्री स्टेट थ्री आपका अटैक अनलाइकली डैमेज कंट्रोल ई है आपका डीसीपी सी ड्राई केमिकल पाउडर ये है आपका यूज्ड ऑन मेटालिक फायर अगला है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स मैं इसको स्टेटमेंट नहीं बता देती हूँ आपको ठीक है नाइन लीटर एएफएफ फायर एक्सटिंग्विशर कंसिस्ट ऑफ वाटर ए एफ 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 कंपाउंड एंड सी ओ टू ठीक है तो ये भैया साफ साफ फॉल्स है तो सी ओ टू फायर एक्सटिंग्विशर इज़ यूज अगेन अगेंस्ट ऑयल फायर गलत अब तय अभी ऊपर ही पड़ा हमने किसके अगेंस्ट होता है इलेक्ट्रिकल फायर्स फिर है रिमूविंग ऑफ इनफ्लेमेबल मटीरियल फ्रॉम फायरिंग इज नोन एज स्मूदरिंग ये भी गलत है बताओ सही क्या है ऊपर ही पड़ा है ड्राई केमिकल पाउडर कलर इज रेड ये भी गलत है एक्स वाई जेड आर द वाटर टाइट कंट्रोल ऑफ मार्किंग एकदम सही है लेज द टाइप्स ऑफ फायर जनरल फायर ऑयल फायर इलेक्ट्रिकल फायर मेटल फायर एंड गैशियस फायर ड्रॉ द फायर ट्राइंगल हीट फ्यूल ऑक्सीजन टोल्ड यू फिर है आपका गैस uh, सॉरी राइट डाउन द वाटर टाइट गैस टाइट एंड रिस्क कंट्रोल मार्किंग तो थ्री आपकी वाटर टाइट मार्किंग होती है एक्स से एक्सरे वाई से यांकी जेड से जुलू ये आपके क्या है फ़ोनेटिक अल्फाबेट्स के लेटर्स हैं ठीक है देर आर थ्री गैस टाइट मार्किंग ए एम एंड आर तो बेसिकली गैस की गैस टाइट मार्किंग हमारी थ्री है ए एम आर और थ्री वाटर टाइट कंट्रोल मार्किंग है एक्स वाई जेड ओके फिल इन द ब्लैंक्स ये आपका रिपीट हुआ है अभी ऊपर ही पढ़ा है हमने वट इज़ तो बेसिकली यहाँ ये बोल रहा है कि आपका जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कैजुअलिटीज़ इन मैन ऑब्वियसली ठीक है हम कहीं भी वॉरफेयर का नाम आता है तो नाम से ही पता चलता है कि खून खराब है है ना कि हमें कैजुअलिटीज़ प्रोवोक करनी है ठीक है चाहे वो मैन हो एनिमल हो ठीक है क्रॉप हो कुछ भी हो बस सामने वाले की आर्मी को क्षति पहुँचानी है है ना उनको हार्म करना है वॉर में ताकि वो ज़्यादा ना टिक पाए तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर में यूजअली यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फंजा बैक्टीरिया वायरस प्रोटोजोआ ये सारे आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं सुनने में बड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं बट ऑबियसली ये बैक्टीरिया है खाने वाने में छोड़ दिए क्रॉप्स में छोड़ दिए जिन्हें खा के बंदे बीमार हो गए मर गए है ना तो ये सारे के सारे होते हैं भैया ये भी बहुत माइन्यूट हैं लेकिन देखा जाए तो ह्यूमन बींग के अंदर यही Uh, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं ठीक है तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है बड़ा इंटरेस्टिंग है आई केम टू नो अबाउट दिस टूडे वट इज शेल्टर स्टेशन द ट्रांजिट पीरियड दिन द इज द शिप इज पासिंग थ्रू बेस सर्ज इट विल बी नेसेसरी टू अबैंड द फुल स्केल ऑपरेशन एंड सेंड ऑल दोज नॉट ऑन नेसेसरी ड्यूटीज फॉर फाइटिंग और रनिंग द शिप Down to shelter station between the decks. The aim is to protect as many personnel as possible from the high intensity ionizing radiation doses. Without okay. अगले क्वेश्चन पे आते हैं shelter station क्या है? भैया during the transit period. Transit period का मतलब है कि जब थोड़ा break time है या जो एक transit कहते हैं ना एक transition एक एक बीच का period जब जो जब आपका जो ट्रांज़िट uh, पीरियड में जब आपकी शिप बेस सर्च से पास होती है ठीक है तो ये ज़रूरी है कि जो फुल स्केल ऑपरेशन है ठीक है इसको ख़त्म कर दिया जाए और जो लोग नेसेसरी ड्यूटीज़ पे नहीं हैं ठीक है एसेंशियल इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ पे नहीं है ठीक है जैसे फाइटिंग है या शिप को चलाना है इन सब ड्यूटीज़ पर नहीं है तो ये आपके शेल्टर पर जाएँ नीचे जाएँ डेक पर जाएँ ठीक है इसका एम होता है कि जितने ज़्यादा पर्सनल को प्रोटेक्ट किया जाए ठीक है हाई इंटेंसिटी से मतलब क्योंकि भैया बेस के आसपास एक रेडिएशन होता है रेडिएशन रोजेज होती हैं ठीक है ठीके? और जो मतलब शिप का रोल है तो एम है इसका कि प्रोटेक्ट करना है जितने पर्सन को करा जाए क्योंकि एक हाई इंटेंसिटी भैया एक रेडिएशन होती है एक एक एनर्जीज में ही मतलब एक बहुत तगड़ी तगड़ी एनर्जीज की वेव्स पास होती हैं ठीक है ठीके? ताकि भैया जो रोल है ये आपका वो ना हो गड़बड़ाए ना ठीक है जो फाइटिंग रोल है शिप का उससे ये गड़बड़ाए ना राइड डाउन द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स या गियर्स तो फायर हाइड्रेंट्स होजेज नोजल्स फोम मेकिंग ब्रांच पाइप्स ठीक है राइड डाउन द टाइप्स ऑफ नॉजल्स यूज इन इंडियन नेवी तो आपका जेट स्प्रे नोजल ठीक है इसको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग दॉटर वॉल इन फाइटिंग ऑल टाइप ऑफ फायर अगला भी जेड स्प्रे नॉजल अच्छा जी आई uh, थिंक कुछ एरर हुआ है यहाँ पे दिस नोजल इज नॉर्मली यूज फॉर फाइटिंग

फ़ाइटिंग टर्म वाइल फाइटिंग द फायर अच्छा ये जो है ये टर्म फायरर यूज़ करता है जब वो फायर को फाइट करता है ये हेल्प करता है उनका जब वो कंपार्टमेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे धुआँ ही धुआँ होता है जहाँ पे कोई भी ब्रीदिंग में उनको दिक्कत नहीं होती है जब वो अपने मुँह में और ये सब लगा के जाते हैं तो अलग अलग टाइप के आपके ब्रीदिंग अपारटर्स हैं और इन सब के नाम हैं स्मोक मास्क आई सी ए बी ए बास्का डी सी बी ए एल्सा एल्बा एक्सपेंड द फॉलोइंग ओ वाह ये भी आ गया है ओके आई सी ए बी ए इंटरनेशनल कंप्रेस्ड एयर ब्रीदिंग अपेरिटिस बास्का यार बास्का तो आई हैल्सो लॉन्टेड अलॉट और मैंने अपने सीनियर से सुना था तो आई गेस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन ब्रीदिंग अपेरिटिस सेल्फ कंटेन कम्प्रेस्ड एयर एल्बा एमरजेंसी लाइफ ब्रीदिंग अपेरिटिस एल्सा एमरजेंसी लाइफ सेविंग अपेरिटिस ये दो भी आप याद कर लीजिएगा बाकी तो आई थिंक यू शुड लर्न है ना बाकी के बारे में तो आई एम नॉट हैविंग मच आईडिया अबाउट टी आई सी थर्मल इमेजिन कैमरा एफ ई बी एफ ई पी सॉरी फायर एंड एमरजेंसी पार्टी एस एस पी सॉरी एफ 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 पी स्टैंडिंग सी फायर पार्टी डी सी पी डैमेज कंट्रोल पार्टी या ड्राई केमिकल पार्टी अच्छा तो आपकी तीन डीसीपी हो गए हैं डैमेज कंट्रोल पार्टी ड्राई केमिकल पार्टी और ड्राई केमिकल पाउडर डी एन 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 एं, बी सी डी बहुत बार बता दिया एमआउ टेलिंग ने आई टी बी आपका इंडिकेटर टेस्ट प्लग ई बी सी आपका इमरजेंसी बल्क हेड कनेक्शन नेक्स्ट वी कम टू डिफाइन फायर प्रोटेक्टिंग क्लोथ्स एंड write डाउन द टाइप ऑफ इट्स फायर प्रोटेक्टिक clothing ये आपकी ऐसी टीम ऐसे कपड़े होते हैं जो आपकी फायर फाइटिंग की टीम पहनती है जो इनकी रक्षा करती है ताकि ये अंदर घुस जाएं और उनको आग ना लगे तो ये है आपका फियर नॉट सूट ब्लिस्टर सूट एलोमिनाइज फायर प्रॉक्सिमिटी सूट एंटी फ्लैश गियर एन बी सी डी का एम क्या है ताकि ये फ्लोट कर सके मूव कर सके और फाइट कर सके Uh, आप बताइए ज़ोन्स ऑफ डैमेज कंट्रोल डैमेज कंट्रोल में आपके तीन जोन होते हैं प्राइमरी जोन सेकेंडरी जोन और रिमोट जोन ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं ठीक है यू शुड नो दिस अगला है व्हाट आर द जनरल लीक स्टॉपिंग डिवाइस यूज्ड फॉर डैमेज कंट्रोल आपको ये भी आना चाहिए इसमें से लर्न एनी uh, मतलब इनमें से आई थिंक कितने हैं ये टोटल uh, कोई दस याद कर लेना ठीक है वुडन शोर वुडन प्लग वुडन वेज स्प्लेंडर बॉक्स स्टॉपर प्लेट पैड पीसेस क्विक हार्डनिंग सीमेंट क्यू एच सी क्विकम थ्री लेग स्टॉपर प्लेट मेटालिक शोर ग्रिड शोर डॉग नेल मल्टीपर्पज ब्लेंड ये क्या है गुबली क्लिप्स फिक्स्ड शोर्स ठीक है ये टेन याद कर लेना दैट इज इंपॉर्टेंट शिप एंड बोट मॉडलिंग फिल इन द ब्लैंक्स एनसी डोप इज यूज्ड जो बच्चों ने शिप मॉडलिंग कर रखी होगी उनको तो आई गेस पता ही होगा इनमें से काफ़ी बटज ने नहीं कर रखी है ठीक है उनके लिए उन्हें ये पता होना चाहिए एन सी डोप इज़ यूज फॉर मेकिंग द वुड हार्ड ठीक है सेलिंग मॉडल्स आपका फोर सेल और मेन सेल बनाने के लिए यूज होते हैं डिवाइडर आपका यूज़ होता है देखा होगा छोटा छोटा डिवाइडर उनके पास थोड़ा बड़ा डिवाइडर होता है ठीक है इज यूज फॉर मेजरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ मॉडल पार्ट्स मॉडल पार्ट्स को मॉडल को वाटर टाइट बनाया जाता है एनसी डोप के थ्रू वाटर uh, पेपर को हम स्टैंडिंग uh, अप मतलब वाटर uh, पेपर जो है इसको हम कैसे सैंडिंग uh, अप sand, uh, के लिए कैसे पुटी किया जाता है फिनिशिंग अप एंड केमिकल वर्क फेविकॉल को सॉल्यूबर बनाया जाता है इन वाटर वुड आपका एक परफेक्ट सूटेबल Uh, माना जाता है शिप मॉडलिंग में एनसी डोप को में अरे बाप रे एनसी डोप इज यूज फॉर मेकिंग द वुड वाटर टाइट सीलिंग मॉडल आर स्टेबिलाइज बाय वेट या आयरन बैल्क फिर है आपका डिवाइडर को यूज़ uh, किया जाता है फॉर मेकिंग सेंटर डिवाइड्स मॉडल को यूज़ किया जाता है वाटर टाइट डोप के थ्रू अरे वॉटर पेपर को यूज़ किया जाता है पुट्टी लगाने के लिए वन थर्ड फोर मोस्ट ठीक है ऑफ द डेक इज नोन एज फॉक्सल ठीक है मेन बॉडी ऑफ शिप इज़ नोन एज हल अच्छा हाँ जो शिप के पार्ट्स एंड होते है ना वो भी आपसे थोड़ा थोड़ा इसमें ये लोग घुसा सकते हैं तो इसे घुसा ही रखा है काफ़ी हद हाँ तक हॉरिजोंटल सरफेस अबाफ द हल इज़ नोन एज डेक हाइएस्ट पोल ऑन बोर्ड इज नोन एज मास्ट टू टर्न द वेसल स्टैब्ड एंड पोर्ट्स राडर इज यूज इन शिप्स एंड मॉडल्स मेक द वर्ल्ड हार्ड एंड वाटर एनसी डोप इज यूज इन शिप मॉडलिंग अच्छा इन्होंने अभी तक दो तीन बार हमको बता रखा था एनसी डोप एनसी डोप अब एनसी डोप का इन्होंने नाम बता रखा है विच इज नेट्रो सिलो सेलोलेस विच इज नेट्रोसिलोलेस तो इसका नाम है नेट्रो सिलोलेस डोप इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन डीजल इंजेंस कटिंग सॉ कटिंग पिलर रिमोट कंट्रोल इंड इज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यूज इन शिप मॉडलिंग तो कुछ इक्विपमेंट्स ये हैं ठीक है देख लेना एनसी पुट्टी इज यूज टू फिल अप द गैप एंड क्रैक ऑफ शिप मॉडल ट्रीमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ठीक है ब्लू प्रिंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है चार्ट केयरफुली ठीक है ओवरऑल एलिजेंस ऑफ द शिप मॉडल ठीक है डिपेंड करता है अपॉन माराइन फिटिंग मेजरिंग और टेस्टिंग टूल्स को यूज़ किया जाता है शिप मॉडलिंग में अगला है आपका ट्रू एंड फॉल्स तो हैंड सो ठीक है यूज़ किया जाता है शिप मॉडलिंग में सही है बालसा वुड आपका परमानेंटली सूटेबल है बढ़िया है वुड शिप मॉडलिंग के लिए पड़ा है सही है रिमोट कंट्रोल मॉडल को विंड से ऑपरेट किया जाता है तो नहीं कहाँ से लाएंगे विंड कील है आपका पार्ट ऑफ द शिप ट्रू है शिप मॉडल आपका सेम साइज़ के होते हैं शिप के तो भैया ये तो साफ साफ गलत है इतने बड़े बड़े कहाँ से मॉडल बनेंगे नेम एनी फाइव टूल्स यूज इन शिप मॉडलिंग मेजरिंग एंड टेस्टिंग टूल प्लेन चिस्टल चिसल हैंड टूल बोरिंग टूल्स फाइल्स वाइस क्लैम्प एक्सेट्रा आर यूज फॉर शिप मॉडलिंग इन एडिशन मतलब जो हेल्प करता है हैमर स्पैनर नोज पाइलर कटर पाइलर Uh, scissors screwdriver net square soldering irons drill bites of various sizes are also used list down the maintenance and care power tool used in modeling polythene canvas covers hai, clean karna machine ko after uh, sorry with a hard brush Uh, हर एक मशीन को यूज़ करना हैव इट्स टूल कप बोर्ड फॉर कीपिंग ऑल द एक्सेसरीज रिक्वायर टू यूज एक चेकलिस्ट होनी चाहिए है शोइंग ऑल द आइटम्स जो आपने कबोर्ड में रख रखे हैं वुड uh, कौन सा है जो आपका शिप मॉडलिंग के लिए है तो बालसा तो मोस्ट सूटेबल uh, है लेकिन और टाइप के भी वुड हैं येलो पाइन मेपल अफ्रीकन वाइट वुड्स प्रूज बालसा परफेक्टली सूटेड है राइट एनी टू टाइप ऑफ शिप मॉडल सॉलिड मॉडल वर्किंग मॉडल सेलिंग मॉडल राइट डाउन स्टेप्स फॉर असेंबलिंग अ शिप मॉडल तो भैया पहले तो ब्लू प्रिंट पढ़ो अच्छे से टैली करो किट को ब्लू प्रिंट के साथ कि कुछ कम तो नहीं है ठीक है कील को पहले तो ले करो उसके ऊपर हल बनाओ ठीक है फिर ट्रिम करो पार्ट्स को छोटे छोटे बनाओ उसको उसको साइज़ के बनाओ ठीक है फिर पार्ट को पिन से उसको जोड़ो जाड़ो ठीक है और उनको सूखने दो राइट एनी फाइव टाइप्स ऑफ जॉइंट्स यूज इन शिप मॉडलिंग तो फुल लैब जॉइंट हावंग मोटाइस टंग ग्रूवल जॉइंट राइडाउन द टाइप्स ऑफ वुड्स तो डगल्स येलो पाइन सिल्वर फायर सिल्वर डगलस येलो पाइन फायर सिल्वर मेपल बालसा अफ्रीकन वाइट वुड हाव विल यू रीड द ब्लू प्रिंट ओके तो दो व्यू हैं ठीक है टॉप प्लान साइड प्लान ठीक है टॉप प्लान से ऊपर का हिस्सा पर चल जाते हैं हमको लेंथ एंड हाइट सॉरी टॉप प्लान से हमको थिकनेस विड्थ सुपर स्ट्रक्चर और हल्का पता चल जाता है साइड प्लान से लेंथ एंड हाइट पता चल जाती है प्रिंसिपल क्या है शिप मॉडलिंग के केयर फिटनेस कॉमन सेंस ओबियसली कॉमन सेंस प्रिंसिपल है ठीक है कौन सा कॉम्बिनेशन है आपका शिप मॉडलिंग में जो अवेलेबल है तो स्किल कॉम्बिनेशन आपका अवेलेबल है आपका शिप मॉडलिंग में कौन सा मेजरिंग एंड स्किल एंड टेस्टिंग टूल्स यूज किए जाते हैं टेप चेन मेजर फुट रोल्स स्केल स्लाइडिंग लेवल मार्किंगस एंड डिवाइडर कंपस Which planes are used in ship uh, modelling? Jack plane, smoothing plane, compass plane, adjustable compass plane. Chisel, kaunsi hai Goggin chisel, uh, mortise chisel, flat chisel, triangular, edge chisel etc. Uh, which are the cutting uh, tools used in ship modelling? Hand saw, fridge saw, uh, hacksaw, paper, cutter, balsa, uh, knife cutter and various small size of cutting tools. How uh, sorry? Which is boring tool used in ship modeling? Hand drill and electric electric drill machine. <laughs> which is the vice and clamp used in ship modeling? Bench vice, including baby bench vice, hand vice, C and G clamps. Okay, fine. Which are the file used in ship modeling? A rough and smooth file, half round, flat file. राउ राउंड फाइल ट्राइंगर फाइल स्क्वायर एंड डायमंड फाइल वट इज द मिसलिनियस टूल्स यूज इन शिप मॉडलिंग हैमर टैपिंग हैमर स्पैनर नोस पाइलर कटर साइड कटिंग पाइलर सीजर स्क्रूड्राइवर सेट स्क्वाइरन ड्रिल बिट्स नीडल फ्लायर एक्सेट्रा वुड बता दिया था ठीक है वट इज द कंज्यूमेबल क्या कंज्यूमेबल थिंग थोड़ा वट इज अ कंज्यूमेबल थिंग यूज इन शिप मॉडलिंग कंज्यूमेबल का मतलब है वो तो जो शिप बनाते हुए जो शिप कंज्यूम करती है प्राइमर फ्रेंच चॉक पाउडर फेवी को इसमें से पता है इतना इतना याद करने की जरूरत नहीं है जस्ट लर्न एनी फ्यू थोड़े बहुत थोड़े बहुत याद कर लो इतना सब सब तो जिसमें मतलब ऐसे ऐसे टर्म्स हैं ना उनमें आपको कुछ कुछ ही याद करना है ज्यादा से ज़्यादा याद मत करना पेपर के लिए विच इज़ सॉल्युबल एंड नॉन सोल्यूबल तो वेल फिक्स क्विक फिक्स फेवी क्विक फेवी बॉन्ड स्टिक फास्ट आर एन सी बेस्ड एड्स एंड आर नॉन सोल्यूबल एंड फेविकॉल कॉल बींग इन शिप मॉडलिंग वॉट इज रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर नो रेंज ऑफ मोटर ऑफर स्कोप इन पावर आउटपुट अवेलेबल फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर बट इज शिप मॉडलिंग शिप मॉडलिंग इज द हॉबी और इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव बेंड एक्टिविटी बाय द हेल्प ऑफ शिप मॉडलिंग हम लोग छोटा मॉडल बना सकते हैं नॉलेज गेन कर सकते हैं कि रियल वेपन uh, और इक्विपमेंट कौन से होते हैं जो आपके बोट पर लगते हैं कितना टाइप के मॉडल होते हैं पावर मॉडल सेलिंग मॉडल सोलन मॉडल फाइन अच्छा तो यार एज uh, प्रीवियसली बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम ये तो ठीक है ठीक है लेकिन थोड़ा प्लीज़ इंपॉर्टेंटली भी बता देना क्वेश्चन सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो क्योंकि आई अंडरस्टैंड आप लोग इसको देख के डर जा रहे हो कि इतने सारे क्वेश्चन हैं तो ठीक है आई एल टेल यू फू जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और जो मतलब जितना मैंने एनालाइज़ कराया है तो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है आई टेल यू दैट ठीक है बट आप लोग स्टिल आई वुड से कि आप लोग जितना करके जा सकते हो ना उतना करके जाना बिकॉज यू आर अल्टीमेटली ए ग्रेड आएगा तो दैट इज़ वर्थ इट है ना बी या सी क्या फ़ायदा है फ्रेंसी का ए ग्रेड इज वर्थ इट तो टाइप ऑफ मॉडल तो कर ही लेना वे uh, मॉडलिंग भी कर लेना कंज्यूमेबल थिंग में चंद करके चले जाना मतलब वही फाइव सिक्स वुड पता होना चाहिए कि कौन सा वुड बेस्ट है और येलो पाइन और ये अफ्रीकन वाला बालसा ठीक है एंड And... mm. ये टाइप ऑफ वुड आई टोल्ड यू क्योंकि आई डोंट थिंक फायर फाइटिंग इज दैट टफ लेकिन फायर फाइटिंग इंपॉर्टेंट बहुत है तो फायर फाइटिंग से तो मुझे नहीं लगता आई कैन पिक एनी दैट क्वेश्चंस क्योंकि फायर फाइटिंग काफी इंपॉर्टेंट है बट uh, मैं थोड़ा सा ना शिप मॉडलिंग से जरूर आपके लिए क्वेश्चंस पिक कर देती हूँ क्योंकि फायर ये शिप uh, मॉडलिंग के जो ये है ना ये टर्म्स मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट ही लग रहे हैं तो ये एम थिंकिंग कि आप लोग कैसे करोगे राइट फाइव स्टेप्स फॉर कि देख लो फाइव स्टेप्स ऑफ असेंबलिंग अ शिप मॉडल फाइन एंड ये सेलिंग मॉडल वर्किंग मॉडल सॉलिड मॉडल आपको पता होना चाहिए hmm. ये आपको पता होना चाहिए इसमें फाइव नहीं यू शुड नो टेन टूल्स ठीक है टेन टूल्स यूज इन शिप मॉडलिंग तो ये जरूर करके जाना सर्च एंड रेस्क्यू इज़ ए लाइफ सेविंग ऑपरेशन एट सी तो डेफिनेटली इट्स ट्रू नाम से ही पता चल रहा है नेवल शिप एंड एयरक्राफ्ट आयक्राफ्ट आर यूज ड्योरिंग एस ए आर ट्रू द रेंज ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन विल डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टेकिंग पार्ट तो भैया ये भी ट्रू है क्योंकि अगर ज़्यादा लोग तो बड़ा ऑपरेशन छोटे uh, कम लोग तो छोटा ऑपरेशन इंडियन सी को फाइव सेक्टर्स में डिवाइड करा जाता है ये भी ट्रू है सर्च एंड रेस्क्यू के अकॉर्डिंग मुंबई सेक्टर को एरिया uh, में डिवाइड किया जाता है इन ऑल्टीट्यूड फाइव फाइव फिफ्टी दूडी नॉर्थ नॉर्थ तो ये भी ट्रू है एमरजेंसी स्टेशन इज ऑर्डर्ड एनी ऑर्डर सिचुएशन इज एनकाउंटर्ड वेन मैन पावर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एमरजेंसी तो ऑब्वियसली ठीक है कोई डेंजरस सिचुएशन में एमरजेंसी आपका Uh, वो पड़ जाती है तो ट्रू है आपका मेन ऑन वॉच ऑल्सो लीव देयर ड्यूटी एंड प्रोसीड टू एमरजेंसी स्टेशन विल नॉट बी अप्रोप्रिएट ट्रू एमरजेंसी स्टेशन फॉर ईच एंड एवरी क्रू इज शोन इन वॉच एंड स्टेशन बिल ये भी आपका ट्रू है लाइफ सेविंग राफ्ट हैज़ अ सी एंकर इट ट्रू अबैंडन शिप इज़ ऑलवेज ऑर्डर बिफोर द एमरजेंसी स्टेशन तो भैया दिस इज़ नॉट डन गलत है राइट डाउन दस फील्ड विच आर कवर्ड बाई एस ए आर ऑपरेशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड तो जो अलग अलग फील्ड हैं जिसको कवर करता है एस ए आर ऑपरेशन ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड तो ये भैया इंक्लूड करता है इसके अंदर है ठीक है हेल्प करना एड करना फिशरमैन जो आपके डिस्ट्रेस में है क्योंकि अक्सर हम मछुआरों को पता नहीं होता कि यार कौन सा कहाँ कितना एरिया है कभी यहाँ कभी वहाँ पहुँच जाते हैं ऊपर से इनके ज़्यादातर इनकाउंटर्स ना मतलब इन्हीं लोगों से होते हैं जो अक्सर समुद्र पे ही अपना जो जीवन यापन करने का उनकी वो होती है दिनचर्यान होती है तो मेडिकल हेल्प एंटी पायरेसी ऑपरेशन अच्छा हाँ यू पीपल नो कि आपका जो पायरेसी या पायरेट्स हैं ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं हाँ पहले की तरह नहीं होते हैं बट पायरेसी uh, और एंटी पायरेसी ऑपरेशन अभी भी पायरेसी uh, अभी भी होती है तो एंटी पायरेसी ऑपरेशन भी अभी भी चलते हैं एज टू शिप ड्यूरिंग द फायर और फूड सुनामी पायरेट अटैक्स ड्राउनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ टोइंग ड्यूरिंग द वेसल कम्युनिकेशन फेलियर ठीक है मशीनरी ब्रेकडाउन और सर्च ऑफ मिसिंग क्रू बोट मशीनरी मटेरियल, डिस डिसम्बार्किंग ऑफ रेस्क्यूड क्रू हेल्प टू वेसल ड्रिफ्टिंग मीट फ्यूल स्टारविंग हेल्प ड्यूरिंग सिंकिंग ऑफ क्राफ्ट बोट एक्सेट्रा मेडिकल इवैक्यूएशन प्रोवाइडिंग इंटरनल इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू फॉरेन वेसल वेसलशिप्स प्रिवेंशन ऑफ ऑयल स्पिल्स तो बेसिकली इसके अंदर क्या क्या आ गया आपका फॉरेन में जैसे यूएन है यहाँ वहाँ इन इनसे भी जब टीम वीम जाती है तो मतलब इंडिया भी उनकी हेल्प करती है तो हमारे जो कोस्ट गार्ड है वहाँ से भी मतलब बंदे जाते हैं ठीक है कोई चीज़ डूब रही है ये हो रहा है वो हो रहा है तो ये लोग भी जाते हैं ऑयल स्पिल ठीक है spill, जो भैया पानी में अक्सर जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं यार तेल वेल का वो हो जाता है तो इससे भी बड़ी दिक्कत हो जाती है तो इसको भी आ, वो करना इनका भी प्रिवेंशन करना इन्हीं की ड्यूटी हो जाती है और जो फिशरमैन है फिशरमैन हैं लोकल पब्लिक है इनको भी अलर्ट और डिस्ट्रेस सिग्नल्स देना ये भी इनका ही आ, काम है तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने इनकी फील्ड देखी कि कहाँ कहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू जो है ये ऑपरेट करता है फिल इन द ब्लैंग फ्लड ड्राउट अर्थ मेड डिजास्टर नहीं नहीं ये सब तो आपका नेचुरल डिजास्टर है ये मैन मेड नहीं है इंडियन कोस्ट गार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 18 august 1978 mrcc located at mumbai chennai and port blair indian ocean area is one of those 13 sar area in the world of uh, world oceans swimming fill in the blanks ensure water is properly circulated filtered and uh, and chlorinated. Ensure uh, proper medical and physical examination of swimmers. Uh, schedule lectures for coaches, trainees, swimmers, and parents. Keep the register of all the injuries and disease. Don't drink the water when you go for swimming. Drag suit and peddlers and gears used in swimming. In breast stroke, the legs provide a frog kick. Snorling and comeback side stroke are swimming styles. When you are not breathing, you should keep your head still. When you breathe in, the mouth should. बी आउट ऑफ वाटर बैक स्ट्रोक इज ऑल्सो नोन एज बैक क्रॉल वट आर द अरेंजमेंट एंड प्रिकॉशंस शुड भी अवेलेबल ऑन स्विमिंग पूल यह भी क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है आते हुए इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा स्विमिंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड करता है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेडिकल पर्सनल भैया किसी को कोई दिक्कत विक हो गई कोई डूब डाब गया उसके लिए अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ फिजिशियन नर्सेज लैब असिस्िस्टेंट और हाइजीनिक कंडीशन होनी चाहिए लॉकर रूम की क्योंकि ऐसे में ना इफेक्शन भी बहुत जल्दी फैल जाता है ड्रेसिंग रूम शॉवर सैनिटरी फैसिलिटी होनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए वाटर जो है प्रॉपरली सर्कुलेटेड है फिल्टर्ड है है ठीक और मतलब सही से उसमें सब कुछ कर रखा है पानी वानी ठीक है बेसिकली टेम्परेचर आपका कंट्रोल्ड है रेगुलेटेड है मिनिमम आपका ट्वेंटी फोर डिग्री और मैक्सिमम ट्वेंटी एट डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इससे ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ है स्विमर्स का शेड्यूल लेक्चर होना चाहिए कोचेस ट्रेनिंग स्विमर और पेरेंट्स का uh, जो मतलब पेरेंट्स वहाँ पे आए हैं जो चाहते हैं रजिस्टर होना चाहिए सारी इंजरी डिजीज का और इमरजेंसी मेडिकल रूम होना चाहिए जिनमें फर्स्ट एड की फैसिलिटी हो